स्टार्ट तो कर दिया था लेकिन ख़त्म नहीं हुआ क्यों, क्या सर। तो हुआ, उसमें टेबल्स में इशू आ रहा था, टेबल्स नहीं बन रही थी। क्या इशू आया था सर बता आप दो ताकि म्यूट मैं, हैं। ओ सॉरी सॉरी, मैं पूछ रहा हूँ क्या इशू आया था। सर वो टेबल्स पता नहीं बन नहीं रही थी मेरे से ना, वो जो नीचे थी ना टेबल्स, स्क्रीन शेयर करके दिखा दूँ? हाँ दिखा दो। तो सर ये वाली आपने कही थी कि ये वाली टेबल्स बनानी है ना जी इसमें, बिल्कुल तो ऊपर का तो ऑलमोस्ट हो गया था मेरा, सही है, ये रहा। तो ऊपर की चीज़ें तो सब जबरदस्त। हो गई थी मेरे से, लेकिन नीचे की टेबल्स में इशू आ रहा था। वो जिस तरह की टेबल्स ना मेरे से बन नहीं रही थी। तो ये जो बाकी काम किया सारा टेबल से किया है ना, एक ही टेबल यूज़ किया हाँ मल्टीपल टेबल यूज़ किया? मल्टीपल टेबल्स, नहीं, पूरे एक ही टेबल से हो जाना था। मैंने आप लोगों को ये एक चीज़ टेबल्स के अंदर सिखाई थी, टेबल। नहीं मैंने एक चीज़ सिखाई थी, रॉ एंड कॉलम स्पैन, ये पूरा काम हाँ उससे हाँ था। ओ ये जो चलें सर, फिर आपका, मैं कंप्लीट उससे कर आपने लूँगी। जो ये एक जो पूरी रॉ बनाई हुई है ना, जैसे यूज़र ऑप्शंस ऊपर 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 करें, ये जो यूज़र ऑप्शन ओपिनियंस एंड रिव्यूज़ है, ठीक हाँ है, यूज़र हाँ ओपिनियन एंड रिव्यूज़ का ये कॉल स्पैन हो जाता है जितना फर्स्ट करें आपका, जैसे टेबल है 12 कॉलम्स का, सही है, तो ये आपका पूरी रॉ स्पैन इसमें लग जाता, ठीक है, 12 का। तो उससे ये होता है जितने भी सारे कॉलम्स होते हैं ना, सब आपस में मर्ज हो जाते, अच्छा तो एक ही टेबल यूज़ होना था, और बाकी हर जगह पे जैसे व्हाट्स न्यू है, इसमें रॉ कॉलम जी, स्पैन लगा के पूरा काम हो जाता, तो अच्छा ये रॉ एंड कॉलम चलो फिर मैं स्पैन से उसे था। कंप्लीट कर लूँगी। ठीक थैंक है, यू सर। वेलकम। और किसी ने किया है ये इसलिए दिया था बस प्रैक्टिस के लिए, ताकि देख के प्रैक्टिस होती है इससे, हम लोगों ने भी ऐसी प्रैक्टिस की थी। कर लेते हैं, 5 554 हो चुका है, तो मैं कह रहा हूँ चलो शुरू कर लेते हैं, 554 हो चुका है, लोग आएंगे तो आ जाएंगे। तो आज हम लोग क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं मैं बता देता हूँ। आज हम लोग सबसे पहले इसमें करेंगे, हमारे पास जो उस दिन रह गया था फॉर्म्स वाला काम रह गया था, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था फॉर्म्स का काम हमारा। उसके बाद हमारे पास जो चीज़ रह गई थी उस फॉर्म, लाइक फॉर्म की जो कॉम्पोनेंट्स थे, उसके बाद हमें CSS करना है। CSS में जो उसके प्रॉपर्टीज वगैरह हैं वो कैसे लगाते हैं, ID क्या होती है, क्लास क्या होती है, वो चीज़ें देख लेंगे, सही है। इसके बाद अगर टाइम बचेगा तो मैं आप लोगों को बूटस्ट्रैप भी करवा दूंगा, ठीक है, उससे ये फ़ायदा होगा आप सर लोगों लेक्चर को। रिकॉर्ड कर लें? हाँ रिकॉर्डिंग पे लगा, तो उसको मैं, उससे आप लोगों को मैं बूटस्ट्रैप भी करवा दूंगा अगर टाइम बच गया तो आज, क्योंकि आज काफ़ी सारी चीज़ें मैं करवा दूंगा, तो रिकॉर्डिंग भी होगी और मैं जो भी लिखूंगा प्रोग्राम वो सब कुछ दे दूंगा, ठीक है। तो अच्छा, आप लोग अगर साथ साथ फॉलो कर रहे होंगे तो मेरे तो चीज़ें से ज़्यादा समझ आ जाए आज, एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस लेक्चर, उसमें हम लोगों ने चीज़ें समझी थी, आज ज़्यादा करने वाली चीज़ें, तो अगर आप लोग चाहते हो कि साथ साथ कर लो तो वो ज़्यादा सही रहेगा, तो अपने अगर सेटअप वगैरह रेडी करना है तो कर लें, तब तक मैं भी कर लेता हूँ। ठीक है, शुरू कर लेता हूँ, मैं अपने स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन विजिबल है? जी सर, हम लोग पहले, सबसे पहले देखेंगे एक नैव बार, ठीक है, नैव बार कैसे बनाएंगे, और उसके अलावा उसमें नैव बार बनाने के बाद उसके ऐप प्रॉपर्टीज़ वगैरह कैसे सेट करना है, फिर एक पेज को
कि कंटेंट्स अगर हम लोग जैसे कि कोई होम पेज बना रहे हैं, ठीक है, तो उसको डिज़ाइन कैसे करना है, तो आज सारी चीज़ें डिज़ाइनिंग के ऊपर है। तो नई फाइल क्रिएट करते हो आप लोग, साथ साथ करते रहो ताकि चीज़ें समझ आती रहेंगी। तो पहला मतलब बना लेते हैं हम लोग इंडेक्स पेज। और जो जो चीज़ें CSS की आ रही होंगी, मैं साथ साथ ही आप लोगों को चीज़ें समझाता रहूँगा। अच्छा, एक काम करते हैं, CSS का थोड़ा सा शुरू में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं CSS में, CSS है क्या। ठीक है, तो कोई बता सकता है CSS है क्या, क्यों यूज़ कर रहे होते हैं हम लोग? सर कैस्केडिंग स्टाइल शीट होती है वो, और उसको स्टाइलिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। सही, यही है, हम लोग उसको यूज़ कर रहे होते हैं स्टाइलिंग के लिए। अब हमारा जो HTML है उससे सिर्फ हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, और CSS से हम लोग उसके UI बना उसका हाँ UI बना रहे होते हैं, UI UX बना रहे होते हैं कि जो यूज़र है वो कैसे उसको फील हो रहा है। ठीक है, उसमें तो स्ट्रक्चर में तो बिल्कुल सिर्फ नॉर्मल हमारा स्ट्रक्चर होगा। अब इसमें हम लोग उसका विजुअल अपील्स इसमें हम लोग ऐड कर रहे होते हैं थ्रू CSS। ठीक है, अब ये जैसे उन्होंने बोला कैस्केडिंग स्केलिंग शीट है, ये हम लोग इसके तीन तरीके होते हैं हमारे पास। एक तो हम लोग इसकी जो स्टाइलिंग है वो एक ऑप्शन है हमारे पास, इनलाइन स्टाइलिंग कर लें हम लोग। फिर हमारे पास एक ऑप्शन आता है कि हम लोग इसके इन डॉक्यूमेंट स्टाइलिंग कर लें, या फिर थर्ड ऑप्शन होगा हमारे पास इसकी अलग हम लोग फाइल बना के स्टाइलिंग कर लें। ठीक है, तो ये तीन ऑप्शंस होते हैं हमारे पास स्टाइलिंग के लिए। तो वैसे से कि जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है ना वो ये होती है कि आप अलग से हेड में कर लो या फिर अलग से फाइल बना के कर लो। इनलाइन वाली इतनी ज़्यादा वो प्रेफर्ड नहीं होती, क्योंकि उसमें अच्छा इसकी फिर इसके बाद आती है ऑर्डर, या लाइक इसकी आप सीक्वेंस कह लें या किसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती। जो हमारे पास इनलाइन CSS होती है वो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे होती है। ठीक है, फिर हमारे पास जो इन डॉक्यूमेंट स्टाइलिंग होती है जो हम लोग हेड टैग के अंदर डालते हैं, ठीक है, उसकी उससे कम उसकी प्रायोरिटी होती है। और सबसे लास्ट प्रायोरिटी होती है जो हमारी एक्सटर्नल CSS होती है, जो एक्सटर्नल CSS फाइल क्रिएट करके हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखने वाली चीज़ है कि अगर आपने कोई ऐसा प्रॉपर्टी किसी एलिमेंट के ऊपर लगाई है, ठीक है, एक्सटर्नल स्टाइलिंग शीट में, तो वो हमारे पास और उसी प्रॉपर्टी उसी उसी की उसी एलिमेंट के ऊपर आप लोगों ने इनलाइन CSS। इनलाइन CSS की भी है, तो वो क्या करेगा, वो इनलाइन CSS को अप्लाई करेगा और जो आप लोगों का एक्सटर्नल CSS है ना वो उसको इग्नोर कर रहा होगा। तो ये वाली चीज़ याद रखने की है कि अक्सर होता है कि मैं चेंजेस तो कर रहा हूँ मगर ये नज़र क्यों नहीं आ रहे, मगर पता चलता है कि आपने इनलाइन CSS अलग की हुई होती है और वहाँ पे आप अलग CSS कर रहे होते हैं, इसलिए ये मसला हो रहा होता है। तो मैं आगे ये समझा भी दूंगा करके। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास CSS पहले देख लेते हैं। तो अच्छा, आप लोगों को एमिट्स का पता है? सर आसिम ने कहा था एमिट्स भी करवाना है। यस सर, एमिट्स का पता है, वो एक्सक्लेमेशन मार्क हम डालते हैं तो वो पूरा एक स्ट्रक्चर बना के दे हाँ देता है हाँ सही HTML का। कहा। तो हम लोग क्या कर रहे होंगे, अब लास्ट टाइम तो मैंने कहा था कि आप लोग डायरेक्ट उसके ऊपर नोट पैड के ऊपर काम करो ताकि सीख लो, अब जिसने कर लिया उसको फ़ायदा होगा। थोड़ा जी जूम इन करते हैं प्लीज। ओके, सही है। जी सही, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एमेट्स यूज़ करेंगे ताकि काम जल्दी जल्दी हो जाए हमारा। ठीक है, ये इसकी बिल्टन एक्सटेंशन है जो हम लोग जिसको यूज़ करके अपना कोड को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम हमारे पास हेड आ गया, पूरा उसने स्ट्रक्चर क्रिएट करके दे दिया। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग उनके टाइप्स कौन कौन से हैं स्टाइलिंग के। एक तो स्टाइल का टाइप है हमारे पास जो कि हेड के अंदर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक स्टाइलिंग कर सकते हैं इसकी। और अगर हम लोग यहाँ पे कोई बना रहे हैं, हेडिंग बना रहे हैं, तो उसके अंदर हम लोग यहाँ पे स्टाइलिंग कर सकते हैं।
अब ये हो जाएगी हमारी इनलाइन स्टाइलिंग। और अगर हम यहाँ पे स्टाइल करें तो ये हो जाएगी हमारी इन डॉक्यूमेंट स्टाइलिंग हो जाएगी। फिर इसको लाइव सर्वर पे स्टार्ट करके देख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें देखें आप लोग स्टाइलिंग हमारे पास कौन सी वाली नज़र आ रही है, जो कि हमारे पास इनलाइन हुई हुई है। मैंने एक तो स्टाइलिंग यहाँ पे भी की हुई है जिसमें हमारे पास कलर वाइट है और फॉन्ट साइज 12 है और H1 के ऊपर लगाया हुआ है, मगर मैंने क्या किया, वो साथ में इनलाइन स्टाइलिंग भी की हुई है उसमें। तो वो क्या कर रहा है, उसको इग्नोर कर रहा है और उसको उठा रहा है। तो अगर मैं अब इसका कलर भी नज़र ही नहीं आएगा वरना, तो ये वाली स्टाइलिंग अप्लाई हो गई है। सही है, फ़र्क समझ आ गया दोनों में, इनलाइन और उसमें। और इसके साथ साथ हमारे पास अगर लगे थोड़ा सा तेज़ जा रहा हूँ तो बता देना, ठीक है, मैं चीज़ें वापसी रिपीट कर दूंगा। अब हमारे पास इनलाइन सीएसएस में यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक लिंक का टैग जनरेट करना पड़ेगा, लिंक स्टाइल शीट रेफरेंस, और उसमें हम लोग क्या देंगे, इंडेक्स डॉट सी एस एस, और मैं रेफर करूँगा अपने लोकल फोल्डर के अंदर जो मेरे पास इधर रखी हुई है सी एस एस की फाइल, तो मैं उसको यहाँ पे रेफर कर रहा हूँ। और फिर वही मैं यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ से उसी कोड को। ये सिंटेक्स मैं समझा देता हूँ, बस ये पहले फ़र्क बता रहा हूँ कि तीनों का फ़र्क कौन सा, क्या क्या फ़र्क है तीनों में। अच्छा, अभी वो यहाँ पे इसको तो हटा देते हैं, ये दोनों समझ आ गया ना आप लोगों को कि इनलाइन और इसका, तो हम लोग इनलाइन तो नहीं कर रहे होंगे, हेड में भी नहीं करेंगे, हम लोग अलग फाइल में ही करेंगे स्टाइलिंग, वो ज़्यादा साफ लगती है। ठीक है, अब इसमें हम लोग करते हैं यहाँ पे इसमें कलर रेड कर देते हैं, फॉन्ट साइज 5px कर देते हैं, तो वो उसने फिर से ये वाली स्टाइलिंग नहीं उठाई है, उसने ये वाली स्टाइलिंग उठाई है। ठीक है, ये वाली चीज़ क्लियर हो गई प्रेसिडेंस की, इसकी कि किसको प्रायोरिटी ज़्यादा है, ये सबको क्लियर है। यस सर। जी सर। ठीक है, तो हम लोग आगे चल देते हैं, ये मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब इसके बाद हमारे पास इसमें ये है क्या, अच्छा अब इसका जो कोड सिंटेक्स होता है वो इस तरह से होगा, हमारे पास हमें सबसे पहले लिखना होगा सेलेक्टर, सेलेक्टर, देन इसकी बॉडी होगी प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू, ये इसका हमारे पास स्ट्रक्चर है। और सी एस एस के मल्टी लाइन कमेंट्स ऐसे होते हैं जैसे हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर होते हैं। ठीक है, तो ये इसके कमेंट्स हैं, हमारे पास सेलेक्टर होगा एक, सेलेक्टर के बाद ब्रेसेस लगा के उसमें प्रॉपर्टीज और वैल्यूज बता रहे होंगे। ठीक है, सॉरी, एट्रीब्यूट्स एंड प्रॉपर्टी, नहीं ये सही है, ये प्रॉपर्टी ही है और ये वैल्यू है। ठीक है, एट्रीब्यूट तो वहाँ आ जाएगा हमारे पास, सॉरी, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है एंड ये उसकी वैल्यू आएगी कि क्या वैल्यू होगी उसकी। तो ये हमारा बेसिक सीएसएस का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसको हम लोग पूरा फॉल बना जो यूज़ कर रहे होंगे। अब इसमें हमारे पास दो और चीज़ आती हैं, एक आती हैं क्लासेस, क्लास, ठीक है, उसके अंदर हम लोग यहाँ पे ही वही प्रॉपर्टी और वैल्यू दे रहे होंगे, देन हमारे पास आती है आईडीज। अच्छा, ये जो है ये कोलन लगाना लाजमी है अगर हम लोग नेक्स्ट लाइन के ऊपर और नया इसकी प्रॉपर्टीज और वैल्यूज इसमें ऐड कर रहे होंगे, तो
ये लाइन सेपरेटर है, ये लगाना मस्ट है, वरना वो क्या कर रहा होगा, वो एरर तो नहीं जनरेट करेगा, और नीचे का जितना भी कोड होगा वो उसको उसको इग्नोर कर रहा होगा फिर। अच्छा, इसके अलावा ये आईडीज एंड सर क्लासेस ये हो गए। आपने क्लास के साथ डॉट क्यों लगाया सर, ये H1 के साथ नहीं लगाया आपने? हाँ, मैं बस वही बता रहा हूँ, कमेंट कर दो उसको। अच्छा, अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग H1 जो है हमारे पास एलिमेंट है, सही है, टैग है या एलिमेंट कह लें आप लोग, ठीक है। H1 मेरे पास ये एलिमेंट है, ठीक है। HTML के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं उनको डायरेक्ट रेफर कर सकते हैं, ठीक है। उनको हम लोग उनको डायरेक्ट रेफर करते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे पैराग्राफ का टैग बनाता हूँ, और उसके अंदर हमारे पास आता है, पता नहीं। अच्छा, ये पैराग्राफ का टैग है, ठीक है। अब पैराग्राफ के टैग को भी अगर मुझे उसके ऊपर CSS लगानी होगी, तो मैं यहाँ पे उसको सिलेक्टर उसका डायरेक्ट आता है, ठीक है। क्लास में क्या होता है, डॉट लगता है, जो हमारे पास क्लासेस है ना वो रेफर होती हैं डॉट से, डॉट हम लोग डॉट यूज करते हैं फॉर क्लासेस। और हैश, मैं यहाँ पे आईडी अगर बनाऊंगा, ये आईडी होगी, इसमें मेरी आईडी है फर्स्ट पैरा, फर्स्ट पैरा, ठीक है, ये मेरी आईडी बन जाएगी। आईडी को मैं रेफर कर रहा हूँगा बाई यूजिंग हैश, मतलब सर अगर मल्टीपल पैराग्राफ्स होंगे तो हैश यूज करेंगे, यानी कि उसको नहीं, मैं फर्क बताता हूँ कहाँ पे क्या होगा। अब देख, देखो जैसे हमारे पास, फर्ज करो तुम्हारे पास ऐसी कोई डॉक्यूमेंट, तुमने HTML का पूरा, HTML का अपना पूरे स्टाइल किया है, ठीक है। उसमें हमने लिखा है, हमारे पास कोई ऐसे टैग्स हैं जिसमें हम लोगों को हर टैग के ऊपर, सही, हमारे पास ऐसे स्पैन के टैग हमने डाला हुआ है, या हमने कोई डिव का टैग डाला हुआ है, हम चाहते हैं कि उस पूरे हर जितने भी टैग्स जहाँ जहाँ यूज़ हुए हैं ना, सबके ऊपर कोई ना कोई स्टाइलिंग लग जाए। अब मेरे पास जैसे पैराग्राफ का टैग है, मैं बोलता हूँ मेरे पैराग्राफ के टैग में मेरे फॉन्ट साइज हो जाए 12 पिक्सल्स, तो क्या करेगा, हर मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर, मेरे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जहाँ जहाँ पैराग्राफ का टैग होगा, वो उसको जाके 12 पिक्सल्स कर देगा, ठीक है। तो हम लोग ये वाले एलिमेंट्स तब यूज़ कर रहे होते हैं जब हम लोगों को मल्टीपल एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना होता है, या एक से ज़्यादा चीज़ों के ऊपर हम लोग अपनी प्रॉपर्टीज लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये वहाँ पे यूज़ होता है, ये वाला पार्ट समझ आया, हम लोग H1 जी या सर, पैराग्राफ क्यों यूज़ करेंगे। इससे ये फायदा होगा, मैंने H1 एक बना दिया ना, तो अब मैं कहीं भी H1 बनाऊंगा तो उसके ऊपर वो वही कलर, वही साइज, वही फॉन्ट, वही विथ, हर चीज़ वही कर देगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास अगर हम लोग एलिमेंट्स के ऊपर लगा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ओके हमारे सर। पास, हाँ सर अगर हमें दो डिफरेंट पैराग्राफ्स में डिफरेंट टाइप की स्टाइलिंग चाहिए होगी फिर क्या करेंगे? ठीक है, मैं बता देता हूँ उसका भी, उसका मैं बताता हूँ एक सेकंड। इसके बाद, इसके अलावा हमारे पास, अगर हमारे पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, लाइक हमारे पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो मैं चाहता हूँ कि मेरे पूरे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर लगे, ठीक है, मैं उसके लिए सिलेक्ट का, ये ऑल का होता है जो मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मैं यहाँ पे अपने कलर लिखूँगा रेड, तो मेरे पास क्या करेगा, मेरे डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ कुछ भी लिखा हुआ होगा ना, वहाँ पे उस फॉन्ट का कलर रेड कर रहा होगा मेरे, ये समझो ये पूरा एक ओवरऑल सिलेक्टर होता है। ये अगर स्टैरिक लगा दिया हमने, ये एक ही बनेगा, ये मल्टीपल बनते नहीं है, ये एक ही होगा, ठीक है। वैसे ये यूज़ नहीं करता कोई भी, इसकी जगह हम लोग यूज़ करते हैं बॉडी का टैग, बॉडी का टैग हम लोग यूज़ करते हैं। बॉडी वाला क्या करता है, हमारा ये जो बॉडी का है ना, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी उसको वो जाके, अगर हम लोगों को कोई स्टाइलिंग उसमें लगानी है तो वो जाके उसके ऊपर लगा। अच्छा, इसके बाद आपने जो क्वेश्चन पूछा था, अगर हम लोगों को हर पैराग्राफ पे अलग अलग स्टाइलिंग लगानी है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे होते हैं, या तो हम लोग आईडी यूज़ कर रहे होंगे, या हम क्लास यूज़ कर रहे होंगे,
अच्छा आईडी और क्लास में फ़र्क क्या है, ये समझ लें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये मिक्स मिक्स हो जाता है कि आईडी और क्लास में फ़र्क क्या है। आईडी होगी जो आईडी नहीं, क्लास पहले देख लेते हैं। क्लास क्या है, हमारे पास क्लास जो है ना वो हम लोग मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं, इन सेंस लाइक अब जैसे मेरे पास, मैं इसकी आईडी, इसको मैं क्लास बना देता हूँ। ये क्लास है हमारे पास हेडिंग की एच हेड, मैंने क्लास का नेम दे दिया हेड, ठीक है। अब इसमें क्या है मेरे पास, इसमें मैंने क्लास बना दी, इसकी मैंने आईडी बना दी, वो अलग अलग है, ठीक है, वो वैसे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा दोनों में। मगर अगर मुझे, मैंने क्या कि मैं चाहता हूँ कि मैंने कोई ऐसी स्टाइलिंग बना के रखी भी अपने पास जो मुझे कुछ स्पेसिफिक हेडिंग्स के ऊपर लगानी है। फर्ज करो मैंने जैसे यहाँ पे एक बनाया हुआ है अंडरलाइन का, अंडरलाइन की एक मैंने क्लास बनाई हुई है कि जहाँ भी मैं उसको कॉल करूँगा उस क्लास को, तो वहाँ पे वो टेक्स्ट हमारा अंडरलाइन कर दे। फॉन्ट स्टाइल हमारे पास आएगा, अंडरलाइन ठीक है। मैंने ये बना के रख दिया फॉन्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, और इसमें साथ साथ इसका आप बॉर्डर भी लगा दो साथ में। ये सारी चीज़ें मैं समझा दूंगा क्या है। बॉर्डर बॉटम वन पेज का ब्लैक कलर का लगा देते हैं। अच्छा अभी तो नहीं आएगा क्यों, क्योंकि मैंने ये बना के रख दिया, ठीक है। अब मेरे पास 10-12 हेडिंग्स हैं, मगर मैं नहीं चाहता कि मेरे पास हर हेडिंग के अंदर ये हो, तो मैंने क्या किया, मैंने अपना हेड तो मेरा है, अब मैंने क्या किया उसमें अंडरलाइन की एक मेरी क्लास है, मैंने वो कॉल कर दी इंडेक्स डॉट सी एस एस, ये यहाँ से आ रही है, ये अंडरलाइन आती है ना अंडर। डेकोरेशन टेक्स्ट डेकोरेशन टेक्स्ट डेकोरेशन, अच्छा वो हमने लगाई है हेडिंग वन के ऊपर, और ये कलर नज़र आ नहीं रहा इसलिए हमें, क्योंकि हमारे पास ये यहाँ पे ये हेड वन के ऊपर हमारे पास ये रेड हुआ है, तो वो अभी उसको उठा रहा होगा, ये अंडरलाइन कर रहा है, मगर वो इसमें हम लोग कलर भी लगा देते हैं। चीज समझ आई, अब मेरे पास एक हेडिंग एक और है, ये हेडिंग टू है, ये हेडिंग थ्री है, इस पे मैंने ये हटा दिया, वो आ रही है हमारे पास वाइट, एक सेकेंड में वाइट का कलर चेंज कर दूँ। ये हमारे पास आ रही है नॉर्मल कलर की। अब मेरे पास जैसा आपका जो सवाल था मल्टीपल चीज़ों पे क्लासेस, मैंने इस पे क्लास एक बनाई थी हेड एच वन की क्लास मेरे पास यहाँ पे अप्लाई हो रही है, ठीक है। इसका साइज मैं बढ़ा देता हूँ, मेरे पास H1 की जो एलिमेंट चीज़ें हैं वो तीनों पे कॉल हो रही हैं, ठीक है, थीके? यहाँ तक समझ आया। H1 में जो चीज़ें मैं चेंज कर रहा हूँ वो मेरे पास तीनों हेडिंग्स में आ रही हैं, क्यों, क्योंकि मैंने तो वो टैग के ऊपर लगाया हुआ है। अब मुझे चाहिए था कि मेरे पास जो पहली हेडिंग है मुझे वो ब्लू कलर में चाहिए और अंडरलाइन भी होनी चाहिए, तो मैंने उसके ऊपर उसकी क्या किया, एक क्लास अलग से बना दी, उसका कलर भी चेंज कर दिया, और उसको मैंने यहाँ पे जिसमें मैं चाहता था उसमें कॉल कर दिया। अब मुझे बार बार वो स्टाइलिंग नहीं लिखनी पड़ेगी, मैं जहाँ पे कॉल करूँगा वहाँ पे मेरा कलर चेंज हो जाएगा या वो वाली स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। ये हम लोग पहले से प्रीसेट बना के रखते हैं और उसको मैं हम लोग फिर बाकी चीज़ों में कॉल कर रखते हैं। ये चीज़ समझ आ गई है, क्लास क्या होती है, क्लास हम लोग यहाँ पे, यस सर, यस सर, मैं यहाँ पे 10 क्लासें भी कॉल कर सकता हूँ बना के, उसकी एनिमेशन की अलग होगी, उसकी हर चीज़ की क्लास बना के हम लोग यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब आईडी में क्या होता है, हमारे पास आईडी, अब मैं बना रहा हूँ किसी चीज़ की, या इसी को हम लोग आईडी में ही, ये मेरे पास आईडी है,
आईडी में मल्टीपल नहीं कॉल कर सकता, एक ही फर्क होता है। आईडी मेरे पास सिंगल ही टाइम ही कॉल हो रही होगी, वो मल्टीपल नहीं आएगी मेरे पास। बस पैरा ये आईडी ये रही इसकी, और हमने इसके अंदर डेकोरेशन अंडरलाइन बैक ठीक है, वन की वजह से नहीं उठा, सही है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि हम लोग क्लास या आईडी बनाते वक्त अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर आना चाहिए। ये एक चीज़ देखी मैंने भी, सही है। अब इसमें हमारे पास, अब मैं चाहूँ मैं एक और आईडी बनाता हूँ, और इसको हम लोग कर देते हैं फॉन्ट स्टाइल इटैलिक, और इसको कॉल करवाते हैं वहाँ पे। देख रहे हैं पर समझ आया, मैं स्टाइल को आईडी कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने ये क्लास कॉल किए तो वो कॉल नहीं हो रहा, बल्कि वो उसको ना इवन वो पहली वाली भी आईडी कॉल नहीं कर रहा, वो एरर एक तरह से समझो ये एक एरर है। आईडी हमेशा यूनिक होगी, ठीक है, वो कभी भी हम लोग मल्टीपल एक एलिमेंट के ऊपर मल्टीपल आईडीज नहीं लगा सकते, आईडी हमेशा यूनिक होगी। ये मैंने उसको वो वाली हटा दिया, मैंने ये वाली आईडी लगाई तो वो ये वाली आईडी लगा दी उसने। अब मैं इसमें यहाँ पे इसकी जगह आईडी लगाऊंगा, तो उसने इसके ऊपर आईडी लगा दी, ठीक है। तो ये फ़र्क है, मैं मल्टीपल आईडी इसके ऊपर नहीं लगा सकता, सही है। ये आईडी और क्लासेस का फ़र्क है, कहीं पे हमें ज़रूरत पड़ती है आईडी यूज़ करने की, आईडी मैं यूज़ करके भी दिखाऊंगा कहाँ पे हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। कोशिश करूँगा कि हम लोग कोई सिनेरियो क्रिएट करें जहाँ पे हमारे पास क्लासेस से काम नहीं हो रहा होगा, फिर वहाँ पे हम लोग आईडी यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई, जहाँ तक क्लासेस आईडीज और उसके प्रेसिडेंस क्या होती है, कौन सी वाली स्टाइलिंग पहले यूज़ हो रही होती है, फिर कौन सी बाद में, फिर कौन सी थर्ड नंबर पर। तो बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि हम लोग स्टाइल शीट के अंदर सारा काम कर रहे हों अपना। यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है? नो सर। ठीक है, अब इसमें हमारे पास नेस्टेड एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। नेस्टेड एलिमेंट्स मैंने उस दिन भी बताए थे। अब मेरे पास जैसे कि एक मैंने डिव डिव बनाया, डिव के अंदर मेरे पास पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ के अंदर मेरे पास है क्या है, मेरे पास ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, और इसमें एक हेडिंग, फिर इसमें मेरे पास क्लास, बिना क्लास के हम लोग डायरेक्ट एचटीएमएल सेलेक्टर्स यूज करके दिखाता हूँ आप लोगों को कि अब मेरे पास इसने क्या किया है। यहाँ पे मेरे पास पैराग्राफ के ऊपर इसने ये वाली जो पैराग्राफ की हमने स्टाइलिंग रखी हुई है, नहीं ये बॉडी की स्टाइलिंग, ये बॉडी हटा ही देते हैं, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, बल्कि बॉडी में सबसे अच्छा हमारे पास ये ऑप्शन मार्जिन डालते हैं हम लोग, मार्जिन जीरो कर देते हैं। मार्जिन समझा दूंगा अभी मैं, तो कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें हमारे पास ये जो पैराग्राफ की हम, ठीक है, नजर आ रहा है सबको कोट नजर आ रहा है? यस सर। ठीक है, अब मेरे पास पैराग्राफ का मैंने ये लगाया हुआ है, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ,
ठीक है, इसने क्या किया, इसका भी कलर चेंज कर दिया, इसका भी कलर चेंज कर दिया। और मैं चाहता हूँ कि ये जो है इसकी स्टाइलिंग ही पूरी अलग आ रही हो, उसके लिए मैं क्या करूँगा, अब मुझे पता है मेरे पास एक डिव है, सही है, वो जो मेरा पैराग्राफ है वो एक डिव के अंदर, पैराग्राफ का टैग है, उस पैराग्राफ के अंदर, टैग के अंदर जाओ, ये नेस्टेड हम लोग वो कर रहे हैं, उस पैराग्राफ के अंदर जाओ और वहाँ पे, वहाँ पे ये चीज़ें अप्लाई कर दो। तो उसने क्या किया, उसके अंदर गया, इसको नहीं यूज़ कर रहा वो, अब इसने क्या किया है, ये चीज़ देखें, डिफ के अंदर गया, डिफ के अंदर जो पैराग्राफ का टैग है उसके ऊपर ये स्टाइलिंग लगाओ, फॉन्ट साइज भी पढ़ते हैं, सही है, क्या कर रहा है ये, डिफ के अंदर गया, उस डिफ के अंदर हमारे पास पैराग्राफ का टैग है, उस पैराग्राफ के ऊपर इसने सिर्फ लगाया है, बाकी किसी और पैराग्राफ को नहीं टच किया उसने, एक ये पैराग्राफ भी रखा हुआ है हमारे पास, एक पैराग्राफ ये भी, इसके ऊपर उसने नहीं लगाया, उसके ऊपर वो लगा रहा है ये वाला, इसकी ये लगा रहा है, तो हम लोग इसके ऊपर से आईडी हटा देते हैं, तो वो इसके ऊपर ये वाली प्रॉपर्टी सिर्फ लगा रहा है, सही है। और इसमें हम लोगों ने क्या कहा, हम लोगों ने नेस्टेड एलिमेंट्स के ऊपर अलग प्रॉपर्टीज लगानी है, अगर हमें कहीं पे ज़रूरत पड़ती पड़ेगी, कि अगर मेरे पास एक डिव है उसके अंदर कोई ना कोई टैग होगा तो उसके अंदर हम लोग वो लगा रहे होंगे, और हो सकता है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे पास ऐसे 50 तरह के डिव हैं, तो हम लोग उसमें ये तो नहीं कर रहे होंगे कि ऐसे डिव और पी दे दें, तो उसमें हम लोग फिर वही क्लास का या आईडी का यूज़ कर रहे होंगे, तो हम लोग इसको दे देते हैं H3, ये हमारी हेडिंग 3 है, H3 ये एलिमेंट्स ना यूज़ करना, इसको ऐसे करके यूज़ कर देते हैं, हमारे पास हेडिंग 3 के डिव है हमारा, उसके अंदर अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसकी जगह मैं H_3 यूज़ कर दूँगा, ठीक तो इसने क्या वही काम किया है, मगर वही बात है, अगर मेरे पास 50 डेव हो तो मैं अगर उसमें वही वाली चीज लगाऊंगा तो वो तो काम नहीं करेगा, ठीक है। अब मेरे पास एक और ऑप्शन कंडीशन आ जाती है, मेरे पास 2 डेव्स आ गए सेम उसके, और मैंने दोनों के ऊपर लगा दिया, दोनों के ऊपर लग रहा है, सही है। अब मेरे पास दोनों डिव्स हैं, मैंने यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, मगर मैं चाहता हूँ ये इस तरह से ना हो, अच्छा मैं चाहता हूँ कि ये इस तरह से ना हो, कि हमारे पास क्लास के अंदर ये जो मल्टीपल क्लासेस सेम वो प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहे हैं, देखें आप लोग यहाँ पे इसके ऊपर भी वही अप्लाई कर रहा है, इसके ऊपर भी वही अप्लाई कर रहा है, वो इसलिए अप्लाई कर रहा है कि हमारे पास, हमने क्या कहा, H3 वाली जो क्लास है, H3 वाली ये क्लास है, उसके अंदर जाओ, पैराग्राफ जो है उस पैराग्राफ के ऊपर वो प्रॉपर्टीज लगा दो, हम लोगों ने कहा नहीं हमें ये तो नहीं चाहिए, हमारे पास वो अलग है, ये अलग है, इसको मैं H4 कर देता हूँ, इसको मैंने H4 किया, सही है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये मेरे पास डिव नहीं है, ये मेरे पास हम लोगों ने इसको बनाया हुआ फुटर के नाम से, या स्पैन कर देता हूँ मैं, ये मेरा स्पैन का टैग डिव और स्पैन है, ठीक है, मेरा स्पैन का टैग है, मैं जो सिर्फ बता रहा हूँ कि अगर मेरे पास ये प्रॉब्लम आती है, तो हम लोगों के पास एक और ऑप्शन ये भी होता है कि अभी भी वो क्या कर रहा है, मैंने टैग भी चेंज कर दिया है, मेरे पास ये डिव है, ये स्पैन है, मगर वो क्या कर रहा है, वो यूज़ कर रहा है क्लास को, तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि सिर्फ जो डिव के टैग्स हैं हमारे पास, सिर्फ आप उसकी प्रॉपर्टी चेंज करो, बाकी किसी और स्पैन या फुटर या किसी और उसकी जाके मत चेंज कर दो, तो हमारे पास हम लोग उसकी जगह हम लोग ये यूज़ करेंगे डिव। अब क्या कर रहा है वो, डिव के अंदर H3 की क्लास देख रहा है, इस डिव की वो H3 की क्लास देख रहा है, और उस H3 की क्लास में जो पैराग्राफ है उसके ऊपर स्टाइलिंग लगा रहा है।
यहाँ तक समझ आया? इसमें कुछ क्वेश्चन है तो पूछ रहे आपको। नो सर, ठीक है, यहाँ तक आप लोग फॉलो कर रहे हैं, साथ साथ लिख रहे हैं या बाद में करेंगे? लिख लिख रहे हैं। बस ठीक है, कोई भी चीज़ समझ ना या ना हो रही हो तो बता देना, तो मैं देख लूँगा। अच्छा, अब ये हो गया हमारे पास, हम लोगों ने, अगर हमारे पास नेस्टेड है, सही है, ये हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हम लोगों ने देख ली हैं। सेम ऐसे ही आईडी के ऊपर भी हम लोग यहाँ कर सकते हैं, जो ये है H3, इसकी जगह मैं हैश लगा दूंगा तो ये हमारी आईडी को रेफर कर रहा होगा। जब भी हम लोग आईडी को रेफर करेंगे तो ये याद रखना कि डॉट की जगह जस्ट हम लोगों को हमारा इसका टैग देना होगा, ये हैश लगाना, बस इसका फर्क होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसमें और क्या चीज़ आएंगे हमारे पास, इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं, अगर हमारे पास ठीक है, वो चाइल्ड एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, चाइल्ड, ये भी वही चाइल्ड के लिए काम कर रहा होता है। इसके अलावा अगर हम लोग इसमें इस तरह से भी चीज़ें लगा सकते हैं, ये अगर हमारे पास H3 का ये, ठीक है, इसका चाइल्ड, इस वाले एलिमेंट का जो हमारे पास चाइल्ड है, वो जो यहाँ पे एक मैं बना देता हूँ, यहाँ पे अब इसने क्या किया है, बॉडी, बॉडी का चाइल्ड कौन सा है हमारे पास, पैराग्राफ, उसने उसके ऊपर जाके लगा दिया। अब बॉडी के चाइल्ड में तो जो सारी पैराग्राफ्स आ रहे हैं, सही है, वो एक तरह से यही वही वाला काम हो रहा है। इसमें क्या कर रहा है, वो बॉडी पेरेंट है और इसके चाइल्ड कौन सा है, ये वाला पैराग्राफ है, ये वाला पैराग्राफ है, सही है। अब वो इसके अंदर ये वाला जो पैराग्राफ है उसके ऊपर नहीं जा रहा, उसके ऊपर वो अपनी प्रॉपर्टी लगा रहा है जो हमने वो वाली लगाई, H3 वाली, ठीक है, ये चाइल्ड ऑपरेटर के लिए हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास, जैसे मैं फॉर्म बनाते हैं, अभी फॉर्म समझाना है पूरा मुझे आप लोगों को, मैं फॉर्म अगर हम लोग बनाते हैं, ठीक अब मेरे पास जैसे कि ये, इसके ऊपर मुझे CSS लगाना है, सही है, ये मेरे पास एक फील्ड है, ठीक है, इसके ऊपर मुझे CSS लगाना है। तो अब मेरे पास ये मल्टीपल क्या कहते हैं, इनपुट्स हो सकते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ तरह के, तो उसमें मेरे पास एक ऑप्शन है, जैसे आप लोग आईडी क्लास भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास एक ऑप्शन है जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एट्रीब्यूट को यूज़ करते हुए CSS की प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहा हूँ। वो कैसे होगा, वो हम लोग क्या कर रहे होंगे, जैसे मेरे पास ये इनपुट है, अब हम मेरे इस फॉर्म के अंदर हमारे पास हर चीज़ इनपुट में होती है, चाहे उसको मैं टेक्स्ट में करूँ या न्यूमेरिक होगा या पासवर्ड होगा या उसके अलावा उसमें ईमेल होगा, सा हर चीज़ इनपुट के टैग के अंदर होगी, ठीक है। इनपुट के टैग के अंदर मैं यूज़ कर रहा हूँ अब प्रॉपर्टी, एट्रीब्यूट, सॉरी, एट्रीब्यूट कौन सा यूज़ करूँगा, मेरे पास जैसे कि टाइप का है, टाइप मैं यूज कर रहा हूँ, टेक्स्ट, मैं ये एट्रीब्यूट यूज करके इसके ऊपर CSS लगा दूंगा।
100%। तो उसने क्या किया है, उसके ऊपर पूरे उसके ऊपर विथ लगा दी, 100% कर दिया उसने। हम लोगों ने क्या किया है, एट्रीब्यूट यूज़ किया है। मैं ये वाला भी नेम यूज़ करके ट्राई कर लेता हूँ। ये एट्रीब्यूट हम लोग ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और एट्रीब्यूट यूज़ करके हम लोग प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं। सेम वही उसमें नेम भी, मैं अब मेरे पास हो सकता है 3-4 इनपुट के लेबल हों जो टेक्स्ट ही टाइप के हों, तो उसमें हम लोग क्या कर रहे होंगे, नेम तो उसका डिफरेंट ही होगा, यकीनन डिफरेंट होगा, हर एक का नेम डिफरेंट होता है। हम लोग उसमें क्या कर रहे होंगे, नेम यूज़ कर रहे होंगे, सही है। तो ये एक तरह है जिसमें हम लोग एट्रीब्यूट को यूज़ करके, ये सिर्फ इसके लिए नहीं, फॉर्म के लिए, ये हम लोग किसी भी चीज़ के एट्रीब्यूट में, यहाँ पे H1 का लैंग्वेज और ENG, ये एट्रीब्यूट मेरा कस्टम मेड है। मैंने क्या किया, इसके ऊपर भी मैं प्रॉपर्टीज लगा सकता हूँ। H1 उठाओ, तुम जाके H1 उठाओ, उसके अंदर जो ये वाली प्रॉपर्टी उसके ऊपर लगा दो, कलर कर दो उसका। मैंने क्या किया, मैंने कस्टम एट्रीब्यूट बनाया, उससे भी मैंने प्रॉपर्टी लगा दी। तो हमारे पास हमने चीज़ें देखी कि किस किस तरह से हम लोग अपने ये अपने एलिमेंट्स के ऊपर एट्रीब्यूट्स हम लोग कॉल कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज कॉल किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरे पास जैसे कि मैं एक मेरे पास ऐसी प्रॉपर्टी है, या ऐसी मैं स्टाइलिंग करना चाहता हूँ अपने वेब पेज की, जो हो सकता है वो तीनों हेडिंग्स में कॉमन हो। सही है, ऐसी मैं कोई चीज़ लगाना चाहता हूँ जो मेरे पास वो तीनों हेडिंग्स में कॉमन हो, या मैं मल्टीपल चीज़ों के ऊपर सेम प्रॉपर्टी लगाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मेरे पास ऑप्शन होता है। मैंने क्या किया, मैंने H1 उठाया, H1 लिया, मैंने P लिया, मैंने Div लिया, और मेरे पास क्या है, स्पैन। मैंने सबके ऊपर प्रॉपर्टी लगा दी, कोई सी भी मैं प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लगा देते हैं। बहुत बुरा लगेगा, क्या किया मैंने, मल्टीपल एलिमेंट्स के ऊपर एक साथ, मल्टीपल एलिमेंट्स के ऊपर मैंने एक साथ ही एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। हम लोग ये भी कर सकते हैं, वैसे बुरा लग रहा था, मैं हटा देता हूँ। और ये आप लोगों के लिए यहाँ पर ही है कि अगर हम लोग मल्टीपल एलिमेंट्स या मल्टीपल, इसमें मैं क्लासेस भी यूज़ कर सकता हूँ, सिर्फ ये नहीं है, मैं कोई अगर मेरे पास क्लास है तो मैं क्लास भी यूज़ कर सकता हूँ साथ में। अच्छा, तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से क्लास भी यूज़ कर सकते हैं, आईडी भी डाल सकते हैं, तो हम लोग मल्टीपल उसके ऊपर एक साथ प्रॉपर्टीज लगा लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये सारी चीज़ें हो गई हैं, इसके अलावा क्या है। अच्छा, अभी फॉर्म देख लेते हैं, फॉर्म वाला तो काम रह गया था उस दिन का, जो इम्पोर्टेंट काम है। काम करते हैं, मेरे पास फॉर्म बनाते हैं हम लोग, फॉर्म सीख लेते हैं होता क्या है। डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, ठीक है, लॉग जनरेट कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, अपना फॉर्म बनाते हैं। फॉर्म होता क्या है, फॉर्म आप लोगों को पता है किससे यूज़ हो रहा होता है। फॉर्म हम लोग अगर कोई भी किसी भी यूज़र से इनपुट लेना है, हम लोगों को कोई
कॉन्टैक्ट फॉर्म भरवाना है, तो वो फॉर्म हम लोग बना रहे होते हैं, हर हर वेबसाइट में फॉर्म मस्ट होता है, तो हम लोगों ने एक फॉर्म बनाएंगे। फॉर्म को हम लोग ज़्यादातर पोस्ट करवा रहे होते हैं फॉर्म में, क्योंकि इन्फॉर्मेशन होती है पोस्ट का, आप लोगों को आप आइडिया होगा, किसी को अगर नहीं है तो बता दें, मैं बता दूंगा। ठीक है, फॉर्म फॉर्म के अंदर हम लोगों के पास फॉर्म पोस्ट करवा देंगे। इसके अलावा हमारे पास एक उसका URL होगा, या एक्शन का एक्शन एक्शन होगा हमारे पास सर, इसका मतलब बता ही दें सर, इसका। ये पोस्ट का। अच्छा ठीक है ठीक है, आप लोगों ने अपना नोट जेस किया हुआ होगा, सही है? वहाँ नोट जेस में कहाँ तक कर लिया वैसे, वो बता दो ताकि मैं उसी हिसाब से करवाऊँ। कोई बता देगा नोट जेस में कहाँ तक पहुँचे आप लोग? हेलो, हेलो, नोट जेस शुरू किया आप लोगों ने? आवाज नहीं आ रही है आप लोगों, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, नोट जेस स्टार्ट कर दिया अच्छा, है सर। मेरी आवाज, मेरा हैंग हो गया था सिस्टम क्या? नहीं सर, ठीक है ठीक है, नोट जेस में वही पूछा था कहाँ तक पहुँच गए ताकि मैं बता दूँ आप लोगों को। सर नोट जेएस में हमने एजेक्स के बाद थोड़ा बहुत स्टार्ट किया है अभी हमने। ठीक है चलो, नोट अब जैसे हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, तीन नहीं बस होती तो काफ़ी सारी हैं। पोस्ट सबसे पहले गेट है, पोस्ट है, पुट है, ठीक है, ये हमारे पास मेथड्स होते हैं, सही है? किसी भी फॉर्म के लिए किसी भी API को गेट करवाना है, किसी भी जगह से हम लोग वो डेटा फेच करवाना है, तो वहाँ पे हम लोग पुट पोस्ट गेट यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, फॉर क्रड ऑपरेशन क्रिएट अपडेट डिलीट एंड रिट्रीव, ठीक है, ये उसके लिए हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो पोस्ट का है ना, पोस्ट इज लाइक आप लोग फॉर्म से डेटा कलेक्ट करोगे एंड पोस्ट कर दोगे अपने बैकएंड पे, हम लोग क्या कर रहे हैं HTML इज आर फ्रंट एंड, सही है? हम लोगों को कहीं पे इसको पोस्ट भी करवाना होगा, किसी डेटाबेस में भी सेव करवाना होगा, इसके ऊपर ऑथेंटिकेशंस लगेंगे, इंक्रिप्शंस लगेंगे डेटा के ऊपर, तो वो सारा बैकएंड के ऊपर काम होगा, ये फ्रंट एंड का काम नहीं होता। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को पोस्ट करवाना होगा, उसका एक एक्शन होता है, उस एक्शन में हमारे पास फर्स्ट करें, अभी मैं गेट यहाँ पर डाल देता हूँ, गेट यूजर्स नहीं चेक यूजर्स, फिलहाल हम लोग चेक करवाएंगे, और उसके बाद हमारे पास इसके अंदर आ जाएगा इनपुट, नहीं लेबल, लेबल होगा हमारा, लेबल होगा सबसे पहले ईमेल का डाल देते हैं फिलहाल, ईमेल लेबल के अंदर हम लोग डाल देते हैं, हमारे पास क्या होगा लेबल के अंदर, नेम, हमारे पास इसके अलावा टाइप ईमेल, अच्छा ये इस चीज समझ आ रही है जो मैं लिख रहा हूँ इसमें, हमारे पास मैं क्या कर रहा हूँ ये मैं आप लोगों को ये भी समझा देता हूँ। फॉर्म, ठीक है, फॉर्म के बाद मैंने कॉलन लगाया, कॉलन का मतलब है फॉर्म जो है मेरा किस टाइप का है, ठीक है, फॉर्म किस टाइप का है मेरा, पोस्ट है, सही है, उसको मैंने पूरा बता दिया, मेरा पूरा फॉर्म पोस्ट होगा, गेट नहीं होगा, मैंने उसको बता दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने उसके अंदर लाइक ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं ना हम लोग किसी भी एट्रीब्यूट किसी भी एलिमेंट के साथ, मेरा फॉर्म एलिमेंट है उसके साथ मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाए, और उसके बाद मैं ये दो एट्रीब्यूट लिख रहा हूँ ना, एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू लिख रहा हूँ, तो मेरे पास ये क्या होगा, एक्शन इज इक्वल टू चेक यूजर, ये मेरे पास उसकी उसकी एट्रीब्यूट आ रहा है, मैंने ऐड करना है, मैं इसके साथ मल्टीपल एट्रीब्यूट और भी ऐड कर सकता हूँ,
फिर मैंने क्या कहा, उसका चाइल्ड, उसके अंदर जाओ, एक लेबल क्रिएट करो, सही है, उस लेबल का जो नेम होगा ईमेल डालो, उस लेबल की जो टाइप होगी उसको ईमेल रखो, और उस लेबल का जो टैग के अंदर, टैग्स होते हैं ना, टैग्स के अंदर जो नाम लिखा हुआ होगा, जो हमारे पास कंटेंट लिखा हुआ होगा, वो ये होगा, ईमेल होगा, ठीक है, यहाँ पे नज़र भी आ रहा है, फॉर्म, फॉर्म के अंदर मैंने क्या कहा, उसको बोला एक्शन, एक्शन के अंदर चेक यूजर का एक हमने वो डाला है, एक्शन मेथड कौन सा होगा, पोस्ट, लेबल उसके अंदर हमारे पास फॉर्म के अंदर होगा, लेबल के अंदर फॉर किस लिए है वो ज़रूरी नहीं है लिखना, नेम अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, टाइप ज़रूरी होता है। फिर मैंने उसका बताया कि ये इस टैग के अंदर ये शो डब डिस्प्ले होगा तो क्या लिखा हुआ होगा। इसके साथ अब मेरे पास ये है, अब मुझे इसके साथ एक वो भी तो चाहिए, इनपुट, इनपुट क्या होता है हमारे पास, इनपुट जिसके थ्रू हम लोग, ओके सॉरी, ये टाइप यहाँ पे नहीं आएगी, ये इनपुट में आती है, ये भी इनपुट में आएगा, आई एम सॉरी, ये यहाँ पे आएंगी चीज़ों, ये इनपुट के अंदर हम लोग डिफाइन करते हैं कि नेम और उसका टाइप, ठीक है, ये इनपुट मैंने उठा लिया। अब ये प्लस का मतलब होता है, प्लस का मतलब होता है कि हमारा जो लेबल है उसके साथ, उसका चाइल्ड नहीं बनाना, फॉर्म का चाइल्ड है, फॉर्म का चाइल्ड के साथ, फॉर्म का चाइल्ड लेबल एंड इनपुट है। हम लोग जो जब अब मुझे मेरे मुझे कोई फॉर्म क्रिएट करना है या कोई टेबल क्रिएट करना है, तो मुझे अब फर्ज करें हमारे पास, जब मैं रो क्रिएट करता हूँ, रो के अंदर टेबल डेटा होता है, टीडी होता है, सही है, तो टीडी के साथ अगर मैं एलआई बना रहा हूँ ना, तो मैं प्लस का साइन लगा के उसमें चीज़ें अपेंड करवा रहा हूँ, उसके ये सिबलिंग्स होंगे, ठीक है, ये मेरे पास मैं सिबलिंग्स क्रिएट कर रहा हूँ, अब एक और लेबल क्रिएट कर रहा हूँ मैं, ये चीज़ समझ आ रही है, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है पूछना, क्योंकि सर आसिम ने कहा था ये चीज़ करवानी है आप लोगों को, एमिट सारी चीज़ें, ये आप लोगों को ये आना चाहिए कि एक लाइन में पूरा मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, वरना एक लाइन में पूरी चीज़ें सारी हो जाएगी, पूरा बल्कि डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाता है ऐसे ही लिख लिख के ना, जब प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों का पूरा एचटीएमएल का, आधे से ज़्यादा तो कोड इससे ही हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, अगर आप लोग किसी हैकेथॉन में काम कर रहे हो, गए हो, या आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग में हो, कहीं पे भी होगी वहाँ पे ये काम आएगा आप लोगों को, बहुत टाइम बचाता है। अच्छा, अब इसके बाद मेरा सेकेंड लेवल का जो डेटा क्या डाल रहे हैं, पासवर्ड, फिलहाल यूजर नेम एंड पासवर्ड हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं किसी भी यूजर का, ठीक है, लेबल होगा पासवर्ड, पासवर्ड, और उसके बाद उसका एक और सिबलिंग होगा इनपुट, इनपुट पासवर्ड वो मुझे यहाँ पर क्लियर है, और उसके बाद उसके अंदर होगा पासवर्ड, ठीक है, पूरा क्रिएट हो गया, इसको मैं ब्यूटिफाई करके कराता हूँ, नीचे लेबल ये अगला लेबल, और ये इंपोर्ट हो गया, ओके, अब मुझे क्या करना है, एक काम और करना है, अच्छा ये जो चीज़ें होती है ना, ये सारे जो है मैं शो कर देता हूँ, ये होते हैं इनलाइन, ठीक है, ये ब्लॉक में नहीं होता, इनलाइन ब्लॉक होते हैं, मैंने समझाया था आप लोगों को, ये देखो इनलाइन आ रहा है, इसके इसको हल, इसका ये मसला हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको डिव में डाल देते हैं, डिव क्योंकि ब्लॉक एलिमेंट है, इसको सिलेक्ट किया, अब ये आ गया ऐसे, ठीक है, ब्लॉक्स की फॉर्म, अब साथ साथ हम लोग क्योंकि सी एस एस भी सीख लिए, तो साथ साथ सी एस एस भी लगा देते हैं, न्यू फाइल फॉर्म डॉट सी एस एस, यहाँ पे हम लोगों को लिंक देना है, उसका लिंक
अच्छा रेफरेंस अच्छा ये याद रखता, हमेशा जब भी कोई वेब पेज या वेबसाइट ऐसे क्रिएट कर रहे हो ना, तो आप लोग इसका जो जो भी फाइल्स हैं उसका रिलेटिव पाथ देना है, एब्सोल्यूट पाथ नहीं देना। सही है, रिलेटिव और एब्सोल्यूट पाथ का फर्क पता है? हमारे पास रिलेटिव पाथ ये होता है, नहीं सर, नहीं सही, पता। हाँ मैं बता रहा हूँ, हमारे पास रिलेटिव पाथ होगा ये जो फाइल है इससे इसका क्या पाथ है, और एब्सोल्यूट पाथ मेरे पास ये जो देख रहे हैं, मैं तो दिखाता हूँ इसको, ये आ रहा है मेरा एब्सोल्यूट पाथ, बल्कि एब्सोल्यूट पाथ ये भी नहीं होगा, ये होगा, ये है मेरा एब्सोल्यूट पाथ। मैंने काफी लोगों को ये गलती करते हुए देखा है, वो क्या करते हैं, ये तो इसमें माय कंप्यूटर जो विंडोज है, विंडोज के अंदर हम लोग जब ऊपर जाते हैं तो वो वहां पे पूरा पाथ आ रहा होता है किसी भी फाइल का, तो वो क्या करते हैं उस फाइल का पाथ कॉपी करते हैं ऊपर से और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। उससे क्या होता है, वो उस टाइम पे तो आपके सिस्टम पे काम कर रहा होगा, अगर आपने कहीं उसको होस्ट किया है, ये किसी और के सिस्टम में ले जाके जब रन करेंगे ना, तो वो रन नहीं होती है, ये वाले प्रॉब्लम आता है, समझ रहे हैं? तो हमेशा रिलेटिव पाथ देना है, एब्सोल्यूट पाथ ये वाला एब्सोल्यूट पाथ ये नहीं देना, ठीक है? ये फर्क है इसका, ये हमेशा याद रखना कि रिलेटिव ही पाथ देना है हम लोगों को हर चीज़ का। अच्छा अभी ये तो इसमें हम लोगों ने कुछ डाला ही नहीं। अब हमारे पास क्या है, फॉर्म, फॉर्म के अंदर डिव है, और हम लोग इसके पास फिलहाल तो पैडिंग करवा देते हैं, डिव के अंदर जो एक सेकेंड आराम जी, ठीक है। अच्छा अच्छा मैं वहाँ पे इसका फॉर्म को डिज़ाइन कर रहे थे थोड़ा सा, अच्छा दोनों में थोड़ा गैप आ गया है, तो बस इतना करते हैं, बाकी और मज़ीद देखेंगे, पहले बस ये फॉर्म करवा दूँ जल्दी जल्दी आप लोगों को। मैं ये ईमेल लेंगे हम लोग यहाँ से और पासवर्ड दे रहे हैं, सही, ये हमारा सिंपल सा फॉर्म है जिसमें हम लोग अपना ये आप लोगों का लॉगिन फॉर्म भी हो सकता है, कहीं भी लॉगिन कर रहे हैं तो उसके लिए फॉर्म चाहिए, इसमें एक चीज़ जो रहेगी वो है बटन, टाइप इसकी सबमिट, ठीक है। अब हमारे पास हम लोग चेक करते हैं इसको, काम कुछ कर रहा है नहीं कर रहा, ये यानी कि इसने हमें उस पोस्ट पे लेके जा रहा है जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है चेक यूज़र का। जब आप लोगों को अगर मैं थोड़ा सा, चलें थोड़ा सा करवा ही देते हैं, यहाँ पे एक टेम्पलेट क्रिएट कर लेता हूँ मैं जल्दी से, कि अगर मैं ये फॉर्म को, जैसे फॉर्म आप लोगों को फॉर्म तो डिज़ाइन करवा दिए, सही है, अब इसका डेटा कैसे हैंडल करना है, इसका डेटा कैसे हमारे पास आ रहा होगा, मैं ये चीज़ भी बता देता हूँ, ये आप लोगों को वैसे आती है या मैं करवा दूँ, आप लोग बता दो, अगर आती है तो मैं स्किप कर देता हूँ। इसमें मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ सर से, जल्दी जल्दी करवा दें। नहीं आती चलो ठीक है बस,
मैंने क्या किया है, एक एक्सप्रेस के थ्रू पूरा नोड की एप्लीकेशन डेवलप कर ली है बैकएंड की, और उसमें व्यूज मैंने डाले नहीं क्योंकि हम लोग अपने एक्सटर्नल व्यूज यूज़ करेंगे। ठीक है, npm इंस्टॉल कर लिया डायरेक्टरी के अंदर आगे, इंस्टॉल npm इंस्टॉल चला दिया, जल्दी से हो जाती है। फिर हम लोग इसके अंदर खोलते हैं, राउट्स में जाते हैं, यूजर्स के अंदर जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पे जाके देखते हैं हमारे पास क्या है। मैं इस पर चेक यूजर, फिर क्या करते हैं clg बॉडी लिख देते हैं, और ये चेक कर देते हैं हम यहाँ पे ईमेल। चलिए अच्छा, जो भी हमारे पास वहाँ से डेटा आएगा, सही है, फ्रंट एंड से जो भी डेटा आएगा ना हमारे पास, वो हमेशा आएगा रिक्वेस्ट में। ठीक है, मैं यहाँ पे गेट नहीं करवाऊँगा, मैं यहाँ पे पोस्ट करवाऊँगा। पोस्ट मीन्स कि वहाँ से मेरा डेटा पोस्ट होगा, और यहाँ से फिर जब वो डेटा यहाँ पर आएगा ना, तो वो पोस्ट होगा इन द डेटाबेस। मैं डेटाबेस वगैरह तो नहीं लगाऊंगा, जाहिर सी बात है क्योंकि टाइम कम है, मगर मैं यहाँ पे आपको डेटा ला के दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे बैकएंड पे हमारे पास डेटा कैसे आएगा और कैसे हम लोग उसको यूटिलाइज कर रहे होंगे या पोस्ट कर रहे होंगे। रिक्वेस्ट डॉट, हम लोग यहाँ पे क्या है, हमारे पास बॉडी, बॉडी के अंदर आएगा हमारे पास ईमेल, ईमेल होगी हमारे पास gmail.com। ये हम लोग ईमेल चेक कर रहे हैं कि ये वाली ईमेल हो, एंड req, एक और काम करते हैं, डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं हम लोग इसको, ये जो मैं तरीका यूज कर रहा हूँ ये होता है डिस्ट्रक्चर करना। ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों के पास जो भी डेटा आ रहा है हम लोग उसको डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं फ्रॉम द रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अब मुझे यहाँ पे ये पूरा लिखना नहीं पड़ेगा, ये आप लोग तो बहुत अभी एक्सटेंसिवली यूज़ करना होगा आप लोगों को ये चीज़, ये साफ सुथरा तरीका काम करने का। हमारा होगा, हम लोग बोल देते हैं सॉरी, यहाँ पे ये मैंने असाइनमेंट लगा दिया, ये वेट इक्वल्स टू ABC और 1 2 3 res। अच्छा, अब यहाँ से हम लोग कर रहे हैं रिस्पॉन्स, res.send यूजर वेरीफाइड, यूजर वेरीफाइड एल्स भेजो तुम यूजर डॉट यूजर नोट वेरीफाई। यहाँ तक चीज समझ आई है, ये क्या किया है मैंने इसके अंदर, आप लोगों को पूछना है यहाँ से, किसी को भी कुछ पूछना है इसके अंदर, सर यार हार्ड कोड क्यों कर रहे हैं अपनी ईमेल और पासवर्ड को? वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास डेटाबेस नहीं है ना यहाँ पे। ठीक है, ये क्या होगा, क्या होता क्या है, यहाँ पे मेरे पास एक डेटाबेस लगा हुआ होगा, डेटाबेस के अंदर मैं सर्च करवा रहा हूँगा क्या ये वाली ईमेल एड्रेस जो डेटाबेस के अंदर ईमेल एड्रेस है उसके बराबर है या नहीं है।
तो वो पूरा डेटाबेस के अंदर फाइंड वन के, अगर मोंगो डीबी यूज़ कर रहे हैं तो फाइंड वन के थ्रू वो सबको सर्च करवा लेगा। मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ फिलहाल कि ये कैसे काम कर रहा है हमारा, फिलहाल कनेक्टिविटीज़ की बता रहा था। अच्छा अब होगा क्या, मेरे पास इसको मुझे कनेक्ट जो करवाना है ना मेरा जो ये, अच्छा मैं इसको वो स्टार्ट कर देता हूँ। ये मेरा स्टार्ट होगा किस पे, लोकल होस्ट पोर्ट 3000 स्टार्ट, नोडमॉन के थ्रू मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं ज़रा जाता हूँ लोकल होस्ट 3000 के ऊपर, तो मेरी एक्सप्रेस की एप्लीकेशन अप हुई हुई है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे इसके अंदर ये डाला, तो लोकल होस्ट चेक यूज़र, चेक यूज़र के अंदर वो यहाँ जाएगा। यहाँ जाने के बाद मुझे इसके ऊपर इसके ऐप डॉट जे एस में जाके देखता हूँ तो यूज़र्स का भी है इसमें, तो यूज़र्स में जाएगा तो यूज़र्स चेक यूज़र, ये मेरा पूरा कंप्लीट राउट बनेगा अगर मैं अपने यूज़र को चेक करा रहा हूँ। और इसको मैं कैपिटल कर देता हूँ पोस्ट, ठीक है। अच्छा इसके अलावा मैंने यहाँ से पोस्ट कर दिया, सबमिट करवा दिया है, टारगेट हम लोग इसका सेट कर देते हैं पेरेंट के ऊपर। मेथड मैंने बना लिया था, मेरा बैकएंड का सर्वर भी अप हुआ हुआ है, हमारी एप्लीकेशन इधर चल रही है, हम लोग देख लेते हैं चला के कि चल भी रहे हैं। चला तो ये क्या कह रहा है, कैन नॉट पोस्ट, अच्छा यहाँ पे इसका एपीआई शायद अलग हो गया, ठीक है ये वाली एपीआई बनी हुई मेरे पास क्रिएट हुई है, मैंने डाली हुई वहाँ पे कोई और है, ये वाले एरर आप लोगों के पास आएंगे काफ़ी दफ़ा। वैसे क्या कह रहा है, यूजर्स फॉरवर्ड स्लैश चेक, वहीं जा रहा ठीक है। ये देखा क्या आ रहा है, यूजर नॉट वेरीफाइड, ये मेरे पास कहाँ से आ रहा है देखें, ये आ रहा है बैकएंड के तरफ से रिक्वेस्ट। अगर मैं इसको, मैं यहाँ पे आप लोगों को चेक करवा के दिखाता हूँ, ये ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, पोस्ट गेट रिक्वेस्ट चलाता है, जब भी ब्राउज़र पे हम लोग कोई भी यूआरएल फेच करते हैं तो वो गेट रिक्वेस्ट चलाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गेट करके देख रहा हूँ तो वो कह रहा है कैन नॉट गेट दिस जो भी यूआरएल है आपका, मगर वो जब मैंने यहाँ पे किया तो यहाँ से मेरे पास बैकएंड में क्या आ रहा है, ये जो मैंने यहाँ पे ऐप बंद कर देते हैं उसका काम नहीं है, इसको भी बंद कर देते हैं। अब मेरे पास ये आ रहा है यूज़र नॉट वेरीफाइड। अब अगर मैं यहाँ पे सही वाला पासवर्ड डालता हूँ abc.123 यूज़र वेरीफाइड आ रहा हूँ, ये समझ आया। अब मैं एक और काम ऐसे कर, res.redirect का भी इसमें आता है, तो हम लोगों ने कहा कि उसको इसका ये होस्ट जो कहाँ पे हुई है हमारी एप्लीकेशन, ये होस्ट हुई हुई यहाँ पे, हम लोगों ने उसको ये कहा और उसको कहा और हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्म फॉर्म के अंदर एक और फाइल बनाई, इसको बंद किया, बाहर एक और फाइल बनाई, मैंने ये बाहर बनाई है इस फॉर्म के साथ, वो उसने उस फॉर्म के अंदर बना दी थी। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, और यहाँ पे करता हूँ और
मुझे टर्मिनल पे जाके नया टर्मिनल में खोलना होगा और यहाँ पे एड्रेस करते हैं तो वेरीफाइड तो यहाँ पे लाइव सर्वर मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा और ये लाइव सर्वर स्पोर्ट्स के ऊपर चल रहा है। यहाँ पे कोई चीज़ समझ ना है पूछ लेना। करवा देखा आपको हमारे पास अगर यूजर वेरीफाइड है तो अच्छा वो उसमें यहाँ पे इसको वेरीफाई डॉट एच टी एम एल हमेशा नाम गलत लिखा हुआ है वहाँ पर। मैं गया अपना फॉर्म डॉट एच टी एम एल खोला मैंने। फॉर्म डॉट एच टी एम एल में मैंने अपना यूजर नेम ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाला ABC.123 जिसने क्या खोला है वेलकम टू डैशबोर्ड। वेलकम टू डैशबोर्ड मेरा ये जो मैंने नया वेब पेज बनाया था समझ आया क्या किया मैंने। और अगर मैं यहाँ पे लॉग इन गलत यूजर नेम डाल लूँ तो वो मुझे बैकएंड के सर्वर के ऊपर लेके जा रहा है जो यूजर नॉट वेरीफाइड है। इसमें हम लोग अगर यूजर वेरीफाई हो रहे हैं तो वो मुझे एक नए जो हम लोगों ने वेबसाइट अपना वेब पेज बनाया हुआ है तो वो उसमें हमें लॉग इन करवा। यह हमारा बेसिक फॉर्म कैसे हम लोग बैकएंड से और फ्रंट एंड बैकएंड और फ्रंट एंड कम्युनिकेट कर रहा होता है। और इसमें अगर टर्मिनल में आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पे हमारे पास डेटा भी आ रहा होगा। ये देखो जो फ्रंट एंड से मैं डेटा भेजा हूँ वो हमारे पास बैक एंड में कंसोल में आ रहा है सही है। ईमेल पासवर्ड जेसन के एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ रहा है। अच्छा अब इसमें हम लोग क्या करते हैं ये तो सिर्फ बेसिक चीज़ें हो गई हैं इसके अलावा हम लोग इसमें क्या डालते हैं डिव। डिव के अंदर हम लोग डालते हैं इनपुट इनपुट और उसकी हम लोग टाइप रख देते हैं ऑप्शन हम लोग अगर बना रहे हैं उसको तो इनपुट सेलेक्ट के अंदर हम लोग उसका नेम डालते हैं नेम। अच्छा एक चीज़ आप लोगों ने नोट की ये जो नेम है ये नेम जो मैं यहाँ पे लिखूँगा वही वो वहाँ पे जाएगा बैकएंड में देखा। ये नेम मैंने क्या डाला ईमेल तो उसने नेम ईमेल उठाया तो मैंने क्या किया बैकएंड में भी ईमेल ही से मैंने रेफर किया। अगर मैं यहाँ पे लिख देता यूज़र नेम तो मुझे नेम के अंदर यूजर नेम आ रहा होता। यूजर नेम मेरी की होती और मेरा वैल्यू जो भी मैंने उसमें लिखा है ठीक है। अच्छा अब मेरे पास इसमें क्या है नेम नेम मैंने डाला ये वही नेम होगा जो बैकएंड में हमारे पास शोर होगा। मैंने डाला ऑप्शन ऑप्शंस हम लोग डाल रहे हैं ठीक है। मैंने कहा कि मेरे पास बैकएंड में ही ऑप्शंस के नाम से आ रहा हूँ। और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला है सिलेक्ट SELECT सिलेक्ट नहीं सॉरी ऑप्शन डाल दें सिलेक्ट है सिलेक्ट के अंदर ऑप्शन आएगा OTP ऑप्शन ठीक है ऑप्शन। और उसके अंदर हमारे पास हम लोग कितने ऑप्शन बनवाते हैं इससे ऑप्शन ऑप्शन और फिर इसकी वैल्यू भी आएगी ये वैल्यू वैल्यू पोस्ट ऑफ दिस एंड ऑप्शन ऑप्शन डॉलर। अच्छा ये डॉलर का जो साइन यूज किया मैंने ये क्या है ये उसका काउंट बताएगा कि यहाँ पे जो भी लाइक फर्स्ट में फर्स्ट आ रहा होगा सेकंड होगी। अब मुझे ये ऑप्शंस जो चाहिए कितनी दफ़ा चाहिए मुझे 5 ऑप्शंस क्रिएट करवाते हैं तो मैंने क्या किया उसका मल्टीप्लाई बाय 5 तो 5 ऑप्शंस क्रिएट हो गए। ये देख रहे हो आप लोग ये इमेट ये वाला इमेट समझ आया क्या किया मैंने डिव डिव बनाया उसके अंदर सिलेक्ट सिलेक्ट के अंदर मैंने एट्रीब्यूट डाला नेम और ऑप्शन आईडी उसने खुद से दी है मुझे। फिर मैंने उस सिलेक्ट के अंदर एक और नेस्टेड एलिमेंट बनाया ऑप्शन का उस ऑप्शन के अंदर मेरे पास
वैल्यू है ऑप्शन 1, 2, 3, 4, 5, ये ऑटोमेटिक इसने क्रिएट किया बाय यूजिंग, अगर मैं डॉलर का साइन यूज़ कर रहा हूँ, और फिर मेरी उसने 5 ऑप्शंस क्रिएट किए, उन 5 ऑप्शंस के अंदर मेरा डेटा होना चाहिए यही ऑप्शन 1 और फिर डॉलर। इसको हम लोग क्रिएट करते हैं, तो ये पूरा हमारे पास, इसको फ्रंट एंड पे देख लेते हैं कैसा आ रहा है। ऑप्शन 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब मैं जो भी ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, मैं बैकएंड पे दिखा देता हम लोग कैसे जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर 5 सिलेक्ट किया था ना, तो हमारे बैकएंड पे देखो कैसे जा रहा है। ऑप्शन ऑप्शन 5, ऑप्शन 5 कैसा है, ऑप्शन 5 हमारी वैल्यू है ऑप्शन 5, सही है। यहाँ तक समझ आ गया, ठीक जी सर, क्लियर है। है। अब ये मेरे पास ऑप्शन हो गए, अगर हम लोगों को ऑप्शन यूज करने हैं तो ठीक है, ये मल्टी मल्टी सिलेक्ट कर लें। इसके अलावा हमारे पास इसके अंदर होते हैं रेडियो बटन। रेडियो बटन क्या होता है, रेडियो बटन है हमारे पास, एक सेकंड, डिव डिव के अंदर इनपुट, डिव के अंदर इनपुट, इनपुट होगा रेडियो, रेडियो, इसकी मैं टाइप बता रहा हूँ कि क्या टाइप होगी। सो ये इनपुट ऑफ विच टाइप, रेडियो, रेडियो होगा सही है, उस रेडियो की टाइप मैंने बता दी। इसका नेम मैं बता देता हूँ, नेम पे नेम होगा इसका, जेंडर सही है, इसकी वैल्यू अगर हम लोग डालते हैं यहाँ से जेंडर, और फिर वैल्यू होगी मेल, दो बनाते हैं मेल और फीमेल का, हम लोग रेडियो बटन बना रहे हैं सही है, मेल। देन हमारे पास इसकी आईडी, हम लोग अपनी आईडी की फिलहाल जरूरत नहीं है, ठीक है। और बस ये भी अच्छा, इसकी वैल्यू डाल देते हैं हम लोग, हाँ ये तो हमारे पास ये क्रिएट हो गया। और यहाँ पे मैं एक लेबल भी डाल देता हूँ, सर वो कर्व ब्रैकेट में क्या लिखा था आपने? कर्व ब्रैकेट कौन से कर्ली वाले, जो कर्ली ब्रैकेट से, कर्ली जी सर, जी जी ब्रैकेट के अंदर मैं वो चीज लिखता हूँ जो मुझे यहाँ पे चाहिए होती है, जो मुझे डेटा चाहिए, लाइक जो भी मुझे ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं ये लिखता हूँ, समझ आए, जो भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये आएगा, जो दो टैक्स के बिटवीन जो हम लोग टैक्स लिखते हैं ना, वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं हम लोग। ओके सर। जेंडर उसको देखते हैं आ कैसा रहा हमारे पास, रेडियो बटन में ये होता है कि एक वक्त में एक ही सिलेक्ट होगा, सही है, ये फायदा होता है रेडियो बटन जब यूज करना होता है, जब हमें कोई सिंगल कोई 2, 3, 4, 5 चॉइसों में से कोई एक चॉइस करवानी होती है, तो रेडियो बटन तब यूज हो रहा होगा हमारे पास। इसकी ये सेम कैसे है, इसका ये नेम से याद रखना, नेम हमारे पास कर रही होती है उसको सिंगल ग्रुप में डाल रही है, ठीक है। अच्छा अब ये मेरे पास हो गया रेडियो बटन। इसके अलावा अगर हम लोगों को चाहिए इसमें और क्या होता है, इसके अलावा रेडियो बटन होता है चेक बॉक्सेस, डिव के अंदर हमारे पास इनपुट, नहीं लेबल आएगा पहले, लेबल लेबल मेरे पास हम लोग क्या कोर्सेस का बना देते हैं, लेबल लेबल, और उस लेबल अच्छा अब देखो मुझे लेबल, ये यहाँ पे देखो लेबल के अंदर ये जो बीच में जगह होगी ना, वहाँ पे मैं लिखूँगा ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रेसेस लगाए और इसके अंदर मैंने लिखा कोर्सेस, कोर्सेस, और इसके अंदर मुझे ये लेबल, लेबल के साथ मुझे चाहिए, अब मुझे इसका सिबलिंग चाहिए,
लेबल का, वो होगा इनपुट। इनपुट होगा हमारे पास क्या होगा, चेकबॉक्स। चेकबॉक्स के अंदर हमारे पास क्या आ रहा होगा, चेकबॉक्स का नेम होगा एक तो, सब कोर्स, और इसकी टाइप होगी, टाइप तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। वैल्यू की जरूरत है। वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे मैं ये समझा देता हूँ। वैल्यू की हमारे पास अभी वो बाद में डालेंगे, और ये हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। चलो चार, और मैं इसको मैं चार, ये चार क्रिएट कर रहा हूँ, तो इस हम लोग इसको प्रूफ कर लेते हैं। मैंने क्या किया, चार रेडियो बॉक्स, रेडियो बटन्स क्रिएट किए, ठीक है, सॉरी चेक बॉक्सेस क्रिएट। अच्छा मैं ये चीज़ समझा, आप लोगों ने ये चीज़ देखी, ये जो यहाँ पे वैल्यूज आ रही हैं, ये ईमेल मैंने यहाँ पे एंटर की थी तो मेरे पास ये वैल्यू आई थी, यहाँ से पासवर्ड मैंने एंटर किया तो मेरे पास यहाँ से पासवर्ड गया, यहाँ से मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया तो मेरे पास ऑप्शन गया, ये तो मैंने वैल्यू सेलेक्ट कर ली। और जब मैंने मेल सेलेक्ट करूँ, फीमेल सेलेक्ट करूँ, या रेडियो बटन सेलेक्ट करूँगा मैं, तो इसमें मेरे पास क्या, चेक बॉक्सेस सेलेक्ट करूंगा तो इसमें मेरे पास वैल्यू कहाँ से उठ के जाती है, हमेशा वो जाएगी यहाँ से, ये वाली वैल्यू जो जो होगी ना, ये जाएगी यहाँ से। तो ये वैल्यू देना मस्ट है, ये कभी भूलना नहीं कि हमारे पास वैल्यू कहाँ से आएगी, हमेशा याद रखना। वैल्यू तुम लोग अभी जैसे कि अपना प्रोजेक्ट बनाओगे उसमें फॉर्म होगा ना, फॉर्म में हमेशा वैल्यू याद रखना कि यहाँ से जा रही होगी। बैकएंड में जो वैल्यू जाएगी हमेशा, वो कहाँ से जाएगी, वो वैल्यू के टैग से जाएगी, और ये जो नेम होगा या आपका की होगी, की हमेशा जाएगी नेम में से, सही है, ये याद रखना। अच्छा अब इसके बाद हम लोगों के में क्या है, वैल्यू हम लोग डाल देते हैं इसकी, जैसे कि ITC, FOP, AI, और क्या FYP, और कोर्सेज हो गए, उन्होंने यहाँ पे लिखा ITC। अब मैं उसका बाहर का टैक्स टेक्स्ट लिख रहा हूँ, क्योंकि वो वैल्यूज अलग है और ये बाहर का टेक्स्ट अलग है जो वेब पेज पर रेंडर होगा, FYP। तो मैंने इसका कोर्स नेम सही है, सब चीज़ें सब सही है, ठीक है। ये देख लो, जेंडर मेल फीमेल, कोर्स IT। अच्छा इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, काम ही करते हैं जेंडर, यहाँ पे एक लाइन आ रहा है ना, तो यहाँ पे हम लोग एक लगा देते हैं BR का टैग, ब्रेक का टैग होता है, ये लास्ट क्लास में भी समझाया था मैंने, यहाँ पे भी लगा चुका हूँ। इस तरह से आ गया हमारे पास, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, हम लोग फॉर्म भरते हैं, देखते हैं क्या जा रहा है बैकएंड पे। फोर्थ ऑप्शन मेल मुझे उठाने हैं ये दोनों कोर्सेस, लॉगिन किया, वेलकम टू डैशबोर्ड आ गया। बैकएंड पे देखते हैं क्या क्या गया हमारे पास, बैकएंड पे हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। इसमें क्या आया, हमारे पास ईमेल आई है, पासवर्ड आ गया, ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन सेलेक्ट किया था मैंने, जेंडर मेल सेलेक्ट किया था, कोर्स का उसने क्या किया है, मुझे एक एरे बना के भेज दिया। तो ये क्या किया, इसने सारा काम खुद से करके भेज रहा है, ठीक है। हमारा फॉर्म का जो काम है वो ये, जो हम लोगों ने यहाँ से पोस्ट किया है, ये सारा यहाँ से पोस्ट हो रहा है और इस API को कॉल कर रहा है, वो इस API के थ्रू डेटा जा रहा है वहाँ पे हमारे बैकएंड, ये चीज़ समझ आ गई है। जी सर,
यहाँ तक क्लियर है ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था। इसके बाद हम लोग इसमें क्या और चीज़ें हैं, फॉर्म में हमारे पास मल्टी फॉर्म डेटा होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, हम लोग इमेजेस वगैरह भेज सर रहे थे 5 मिनट देते नमाज पढ़ के। बस, ठीक है ठीक है, एक काम करते हैं 10-20 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं। कितनी, 10 मिनट की, 15 मिनट की, कितनी देर की ब्रेक ले लें? सर 10 मिनट बहुत है। चलो ठीक है, 10 मिनट के बाद आते हैं। ये फॉर्म कंप्लीट करा दूं, और HCSS का कुछ रह गया, थोड़ा ज़्यादा हो गया क्या? एक काम, एक नहीं पद सर ज्यादा नहीं हुआ। ये जो वेब है ना, इसको सिर्फ प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस मांगती है। जितनी आप लोगों की प्रैक्टिस होगी उतना ये आप लोगों की, ये जो चीज़ें होती हैं जो मैं कर रहा हूँ, ये आपके फिर उसमें सब कॉन्शियस माइंड में बैठती जाती हैं। अच्छा ये चीज़ चाहिए, ये यूज़ कर ली, ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ यूज़ कर ली, तो ये ऐसे काम कर पाते हैं। अच्छा ये वाला फॉर्म का तो सबको समझ आ गया है ना, फॉर्म में आप लोगों के पास मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, हम लोग इमेजेस होती हैं, PDF होते हैं, या वीडियो अपलोड करनी है, तो उसके वो भी हम लोग कर सकते हैं। तो वो चीज़ आप लोग खुद से भी एक्सप्लोर कर लीजिएगा वो चीज़ें, ठीक है। वो मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा कैसे, वो फॉर्म डेटा होता है, सही है। उसमें हम लोगों को क्या कहते हैं, उसमें हम लोग फॉर्म का डेटा जो होगा वो सारा यहाँ से पोस्ट करवाएंगे, जैसे उसका अलग मेथड होता है, सही है। बस उसमें यह होता है, यहाँ पे हम लोग मल्टी फॉर्म का उसका हेडर चेंज कर रहे होंगे, ये इसका यहाँ पे इसका हेडर है, यहाँ पे इसका हेडर चेंज कर देंगे हम लोग बस, ठीक है। वो आप लोग खुद देख लीजिएगा। उसके अलावा मैं CSS करवा देता हूँ, इस जहाँ जो अभी तक चीज़ें की हैं उसमें देख लें आप लोग, कुछ पूछना है कुछ भी चीज़ की, लाइक लगता है कि ये चीज़ समझ नहीं आई थी, फिर मैं आगे बढ़ जाऊँ। सर अभी तक तो क्लियर है। सबको, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैंने यस थोड़ी सर, स्पीड से करवाया था चीज़ें, ताकि चीज़ें क्लियर हो, वो कवर हो जाए ज़्यादा। अच्छा इसको मैं बंद कर देता हूँ, फॉर्म वाला काम। यस वाला काम अच्छा, इसमें हम लोग क्या कर रहे होंगे, हम लोग एक बनाते हैं एक वेब पेज, जो जिसमें हम लोग एक तरह से किसी भी वेबसाइट का आप लोगों को होम पेज एक तरह से ले, जिसमें फुटर नया बार होता है, ठीक है। तो इसमें हमारे index.html, index.css, ये आप लोग साथ साथ मेरे पढ़ लें, ताकि ये वाली चीज़ साथ साथ करते रहें, ताकि आप लोगों को कहीं फंसे तो उसी वक्त मुझसे पूछ लें। सही है। अगर अभी हम साथ में करें मसला तो नहीं है ना, मैं बाद में कर रहा हूँ, वो भी समझ बात, रहा है। चलो हाँ ये, चलो ये भी ठीक है। वीडियो तो होगी, मैं वीडियो रात या कल तक डाल दूंगा, चलो सही, वीडियो देखते हैं। अच्छा अब हम लोग क्या बना रहे हैं, हम लोग नैप बार अब बना लेते हैं, ठीक है। नैप बार कैसे बनाना है वो देख लेते हैं, सही है। और इसके अलावा हम लोग चीज़ें देखते हैं, हम लोग नैप बार कैसे बना रहे हैं। हमारे पास एक, जैसे सेमेंटिक टैग मैंने बताते हैं ना, तो हमारे पास एक सेमेंटिक टैग है नैप का, सही है। तो उसके थ्रू हम लोग नैप बार, इस ये जस्ट एक डिव की तरह ही के टैग होता है, सही है, मगर ये डिफरेंशिएट कर रहा होता है दूसरे टैग्स से। लाइक जैसे कि हमारे पास फुटर का भी टैग है, नैव का भी है, साइट का भी है, तो हम लोग नैव का टैग यूज़ करना ज़्यादा थोड़ा अच्छा रहता है, कि जो भी अगर कोई आपका वेबसाइट पेज खोल रहा है तो उसको समझ आ जाएगा। तो इसमें क्लास एक डाल देते हैं हम लोग, इसकी क्लास डाल देते हैं टॉप नैव क्लास डाल देते हैं, और इसके अंदर हम लोग इसकी नैब होगा, नैब के अंदर एक एंकर टैग होगा, सही है। उस एंकर टैग की हम लोग क्या करें,
करते हैं फिर अच्छे रेफरेंसेस हैश डाल देते हैं फिलहाल, और उसके अंदर हमारे पास डालेंगे और ये जनरेट कर देते हैं। नेम का बनाते हैं कौन, चार करते हैं इसको, चार एंकर टैग आ जाएंगे हमारे पास। और इसके अलावा हमारे पास क्या होगा, बस ये जो कर लेते हैं अबाउट कॉन्टैक्ट ब्लॉक का एक पेज बना देते हैं। ठीक है, ये हमने पेजेस बना दिए, अब हम लोग इसको जरा देख लेते हैं कैसे आते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास इस तरह से आ रहा है कुछ, तो अब इसकी हम लोगों को करनी पड़ेगी सी एस एस, जिसमें और टैग होना चाहिए ब्रांड का, जो हमारा ब्रांड नेम बता रहा होगा, यहाँ ब्रांड का होगा। अच्छा, अब ये ब्रांड है तो ये एक तरह से हमारा लोगो कहते हैं, इसकी क्लास डाल देते हैं हम लोग, उसके बाद में देखते हैं फिलहाल इसकी हमारे पास ये किस तरह से चीजें आएंगी। अच्छा, अब हमारे पास ये तो फिलहाल ये इस तरह से आ रहा है, तो अब इसको सीएसएस के थ्रू इसकी स्टाइलिंग करनी है, इसकी सारी सारी चीज़ें हम लोगों को बनानी पड़ेंगी कि पूरे एक नया बार लगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या करते हैं, बॉडी सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ उसका, मैं टॉप नैप टॉप नैप के अंदर मैंने क्या किया, उसको बोला बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया इसको ब्लैक, बैकग्राउंड कलर मैंने इसको ब्लैक दे दिया। तो इसको अच्छा मसला क्या हो रहा है, आइडिया हुआ है, चल क्यों नहीं रही। सर हमने HTML में नहीं बताया। हाँ, वहाँ पे लिंक नहीं करवाई इसकी स्टाइल शीट। ठीक है, अब मसला क्या आ रहा है, चारों तरफ से ये स्पेसेस आ रही है, जबकि हमने पूरे को बैकग्राउंड दी भी है, इस डिव को बैकग्राउंड, इसको नैव बार को बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, तब भी वो पूरे में ब्लैक ही है, वो जगह छूटी हुई है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक बॉडी का टैग बनाता हूँ, सॉरी बॉडी के जो टैग, बॉडी एलिमेंट को कॉल करते हैं हम लोग, क्या करते हैं मार्जिन, मार्जिन 0 मार्जिन 0 कर देते हैं, और ये देखें ये हमारे पास यहाँ पे फुल विड्थ पे आ गया, मार्जिन बॉडी ने बॉडी की मार्जिन 0 कर दिया, बॉडी की मार्जिन बाय डिफॉल्ट होती है 5 pix पे आ जाती, तो हम लोगों ने उसको फुल विड्थ पे ले गए। सही है, अब हम लोगों को क्या करना है, अब हमारे पास जो नैव बार है ये, इसको ये जो है ये मूव नाउ, हम लोग इसकी क्या करते हैं इसकी पोजीशन, अच्छा मार्जिन्स का मैं समझा देता हूँ आप लोगों को, ये मार्जिन्स क्या होती हैं, कैसे काम कर रही होती हैं, मार्जिन्स और पैडिंग का बता देता हूँ क्या होता है। ये पिक्चर मैंने डाउनलोड करके रखी थी। अच्छा, कोई भी कंटेंट है, ये चीज़ गौर से याद रख लेना, ये तुम लोगों ने अगर समझ ली है तो फिर सारी ज़िंदगी समझ आ जाएगी, ये चीज़ भूलोगे नहीं। कॉन्टेंट हमारे पास सेंटर में, सही है, हमारे पास कॉन्टेंट क्या है, ये
ठीक है हमारे ये कंटेंट है, क्योंकि हमारा ये सारा कंटेंट है अभी फिलहाल हमारा, क्योंकि हमारा डेव है सही है। उस कंटेंट के बाहर हमारे पास एक ब्लॉक है जिसको पैडिंग कहते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमारे पास एक बॉर्डर है सही है, हर कंटेंट का कोई भी कंटेंट होगा, चाहे मैं H1 बनाऊँ चाहे मैं H2 बनाऊँ या डिव हो स्पैन हो कुछ भी होगा ना, उसका एक बॉर्डर होगा, वो हमें नज़र नहीं आएगा मगर हर चीज़ का एक बॉर्डर होता है सही है। उस बॉर्डर के अंदर, उस बॉर्डर और कंटेंट के दरमियान जो भी गैप होगा वो होगा हमारी पैडिंग। ये समझ आया पैडिंग क्या है? बॉर्डर और कंटेंट के दरमियान जो भी गैप होगा वो होगी पैडिंग सही है। पैडिंग क्या है? बॉर्डर और कंटेंट के दरमियान का जो गैप है वो पैडिंग होगी। और मार्जिन क्या होगा? मार्जिन हमारा कंटेंट और हमारी बॉडी या आउटर एलिमेंट्स, लाइक ये मेरी बॉडी है सही है, उस बॉडी और मेरे जो कंटेंट है उसके दरमियान जो गैप है वो मेरा मार्जिन है। मैं मार्जिन बताता हूँ, मार्जिन कैसे आप लोगों को नज़र आएगी, डिफरेंशिएट करके दिखा देता हूँ। जैसे मेरी टॉप नेव है, मैंने कहा मेरा टॉप नेव होना चाहिए, उसका मार्जिन मैंने बोला मार्जिन टॉप नेव ऊपर से 10 px नीचे हो। इसने क्या किया, चारों तरफ से 10 pixels चारों तरफ से दे दिए मार्जिन, मैंने मार्जिन किया है ना उसको, चारों तरफ से मेरे पास 10 pixels आ गए। मगर ये कंटेंट के देखो ब्लैक कलर तो उतना ही है, ब्लैक कलर एक्सटेंड नहीं हुआ है सही है। एक सेकेंड एक काम करते हैं इसको कलर करते हैं ताकि थोड़ा तो ढंग का लगे, कलर वाइट। और इसको देखते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन में, अच्छा से ये जो हम लोग दोनों दे रहे थे मैंने देखा नहीं, ये मुझे एंकर टैग के ऊपर देना है, तो मैं क्या करूँगा टॉप नेव के अंदर जो भी एंकर टैग है उसके ऊपर ये प्रॉपर्टीज लगा दे जाकर, ठीक है। अब सही हो गया। अच्छा अब मैं पैडिंग का मार्जिन का समझा रहा था कि अभी ये हमारे पास मार्जिन देखो ऊपर से 10 हो गई है, 10 pixels की जगह उसने छोड़ दी चारों तरफ से। अगर मैं पैडिंग इसको बोलता हूँ, अब देखना क्या करेगा पैडिंग, मार्जिन हम लोग हटा देते हैं, मार्जिन की जगह मैं पैडिंग लगा देता हूँ। पैडिंग पर समझ आया क्या किया इसमें? मार्जिन में उसने मुझे जो मेरी बॉडी है उससे और मेरे कंटेंट के दरमियान जो भी गैप है, जो मेरे बॉर्डर और ये जो गैप है मेरा बॉर्डर और मेरी बॉडी के दरमियान जो भी गैप होगा उसमें मार्जिन अगर लगाऊंगा तो मैं मुझे उसमें गैप करके दे देगा, और अगर मैं अपना पैडिंग लगाऊंगा तो मेरा कंटेंट, ये मेरा कंटेंट है और मेरा बॉर्डर ये है, इसने मुझे कंटेंट और बॉर्डर के अंदर गैप करके दे दिया। मैं पैडिंग और बढ़ाता हूँ 50 pixels, ये देखें कंटेंट और बॉडी के दरमियान गैप करके दे रहा मुझे, ये चीज़ समझ आई? मार्जिन और पैडिंग में फ़र्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जगह यूज़ होगा। इसमें कोई क्वेश्चन है पूछ लें। क्लियर है सर। ओके अच्छा अब मेरे पास कहीं पे मुझे क्या करना पड़ता है, मल्टीपल साइड्स हैं उसकी सही है, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम सही है। अब इसको याद कैसे करें कि अब मैं इसमें यहाँ पे इसको पैडिंग जो है ना मैं इसको इस तरह से भी दे सकता हूँ, मैं अगर यहाँ पे एक नीचे पैराग्राफ का टाइप बनाता हूँ तो मेरे पास ये क्या है, ये अलग पैराग्राफ आ गया है वो उसको शो कर रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मुझे चाहिए नीचे का जो ये मेरा पैराग्राफ है मैं चाहता हूँ ये इसमें और इसमें गैप ही ना हो, बिल्कुल क्लोज हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मार्जिन कम करनी पड़ेगी इसकी, मार्जिन। और अब मुझे बताना है टॉप फिर राइट 0 px,
बॉटम -20 px और लेफ्ट। ज्यादा ऊपर चला गया है। अच्छा अब देखो ये इससे करीब आ गया, इसके अब ये सही से आ गया, इसके इसके पास तक आ गया। ठीक है अब ये मैंने क्या किया है, अब मुझे कैसे पता चला कौन सा टॉप है, कौन सा बॉटम है, कौन सा लेफ्ट है, कौन सा राइट है। इसको याद करने का सबसे इजी तरीका है कि क्लॉकवाइज याद कर लो, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। ठीक है ये देखो यहाँ पे ये इस पिक्चर से याद रखिएगा, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट ये ऐसे चल रहा है क्लॉकवाइज, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ये एक जगह नहीं हर जगह ये यूज हो रहा था। एक इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं इसको, मार्जिन देना टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ये क्लॉकवाइज याद कर लेना, मुझे किसी ने नहीं बताया था, मैंने खुद से याद किया ये इस तरह से। पैडिंग, पैडिंग में भी हमारे पास सेम यही होता है तरीका, पैडिंग में देनी है 10 px दी थी ना मैंने, ऐसे नहीं दे रहा मैं, बोलता हूँ कि मुझे मैं बोलता हूँ मैंने पैडिंग जो है मुझे टॉप पे कितनी चाहिए, टॉप से 10 px चाहिए मुझे, बॉटम से मुझे कितनी चाहिए, नहीं टॉप ये राइट होगा ना मेरा, राइट से मुझे 0 चाहिए, फिर बॉटम से मुझे 10 px चाहिए और लेफ्ट से 0 चाहिए। ये देखो ऊपर नीचे आ रहा है, इधर से लेफ्ट और राइट पे मेरे पास पैडिंग नहीं आएगी। ठीक है तो ये मैंने क्या किया है, मुझे पैडिंग भी सेम रूल है। अच्छा अब इसमें एक और तरीका है पैडिंग लगाने का, ये मार्जिन और पैडिंग का, अगर मुझे पता है देखो जिसमें मुझे पता है मेरी टॉप का सेम है और लेफ्ट, टॉप और बॉटम सेम है, लेफ्ट और राइट सेम है, राइट और लेफ्ट सेम है, सही, तो मैंने इसमें क्या किया, पैडिंग मुझे मैंने टॉप बताया एंड बॉटम, टॉप एंड बॉटम लेफ्ट एंड राइट ये दो आ गए मेरे पास, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। ये टॉप एंड बॉटम है, ये लेफ्ट एंड राइट है, सर एक पैडिंग ऑटो भी तो आ रहा है, उससे क्या होता है? उससे ये होगा कि चारों तरफ से ना वो आपकी जो भी कंटेंट है उसको ऑटो अलाइन कर देता है, चारों तरफ से इक्वल गैप होगा, वो भी मैं करके दिखाऊंगा आगे है मगर वो। ठीक है तो इसमें हम लोग ये मैं इसमें मार्जिन हम लोग मार्जिन के लिए हम लोग इस तरह से यूज कर सकते हैं, टॉप एंड बॉटम, ये पहला जो होगा वो टॉप एंड बॉटम, दूसरा होगा लेफ्ट और राइट के लिए, तो हम लोग इस तरह से भी यूज कर सकते हैं इसको। अच्छा हमारे पास इसको अच्छा अब ये हमारे पास थोड़ा थोड़ा नैप बार की तरह का लग रहा है, पैडिंग ये समझ आ गया, पैडिंग एंड मार्जिन, मैंने पूरा पैडिंग एंड मार्जिन समझाया आप लोगों को, अभी बस ये समझ आ गया। अच्छा मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, मैं मेरा जो ये कंटेंट है इसको हम लोगों को ये चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे लेके जानी है हम लोगों को, हम लोग इसको लेफ्ट फ्लोट लेफ्ट करवा देते हैं, लेफ्ट पे फ्लोट हो जाओ सारी जो चीज़ें हैं हमारे पास। ठीक है तो ट्राइड पे चला गया,
हमारे पास सारी चीज़ें यहाँ पे राइट हो गई हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पैडिंग में यहाँ पे भी लगानी पड़ेगी ताकि जो गैप है इन सबके दरमियान ये कम हो। पोजीशन हम लोग कर देते हैं फिक्स। पोजीशन हमारे पास होती है एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट होती है, रिलेटिव होती है और फिक्स्ड होती है। सही है, फिक्स्ड होती है लाइक हमारा जो कंटेंट है वो उसके हिसाब से हो, पोजीशन हमारी भी किसी भी एलिमेंट की वो चेंज नहीं होगी। सही है, रिलेटिव हमारे पास जो होगी उससे क्या वो क्या होगा, हमारा जो प्रीवियस या पेरेंट कॉन्टेंट है उसके हिसाब से वो चेंज हो रही होगी। सही है, हर जगह पे वो, अगर हम लोग रिस्पॉन्सिवनेस के ऊपर बात करेंगे तो वो हमारी पोजीशन जो प्रीवियस उसका कंटेंट है उसके हिसाब से वो सेट कर रही होगी। और एब्सोल्यूट की हम लोग जहाँ पे उसको जिस जगह पे हम लोग उसको सेट करते हैं, लाइक हम लोग उसको डिफ के किसी डिफ के नीचे सेट कर रहे हैं तो वहाँ पर सेट हो जाएगी। उसका मैं आप लोगों को करके दिखा दूंगा तीनों में क्या फ़र्क है। ठीक है, फिलहाल मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि हमारे पास पोजिशन जो होती हैं फिक्स्ड, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, रिलेटिव और फिक्स्ड। सही है, अच्छा अब हमारे पास हम लोगों ने फिक्स्ड पोजीशन कर दी क्योंकि नया बार हमें फिक्स्ड चाहिए। इसकी विथ मैं दे देता हूँ 100%। इसके अलावा इसका बैकग्राउंड कलर हम लोग सेट कर देते हैं यहाँ से, और इतना इसमें काफी यहाँ पे इस तरह से आ गया हमारे पास, थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है। अच्छा अब इसमें मेरे पास क्या है, अब यहाँ पे मुझे एक आईडी लगानी है, यहाँ पे काम करेगी आईडी हमारी। इस आईडी को मैं दे देता हूँ लोगो, ये हमारा लोगो होगा और यहाँ पे मैं देता हूँ लोगो और के ऊपर आईडी दे दी। सर हाँ आईडी देनी ब्रांड के ऊपर, हमारा ब्रांड अलग हो गया और जो बाकी का नैप बार है वो अलग हो गया। सही है, अब हम लोग इसमें अगर हमारे पास जैसे ये है, अब ये काम कर रहा है हमारा। सही है सारा, अब हमारे पास मगर ये समझ नहीं आ रहा काम कर भी रहा नहीं कर रहा, जब मैं ओवर कर रहा हूँ तो वो चीज़ें चेंज नहीं हो रही। तो अब हम लोग क्या करते हैं इसके ऊपर टॉप नैप गोल्डन ओवर ओवर में कलर रेड, ये कलर रेड हो गया। बॉर्डर हम लोग देते हैं बॉर्डर बॉटम सॉलिड एंड कलर रेड और इसकी पैडिंग कर देते हैं 13 पिक्सेल तकरीबन। चेक करना पड़ेगा कैसा लग रहा है,
देते सही है। ये हम लोगों ने इसको ये बॉटम बॉर्डर है, सही है, किसी भी कंटेंट का बॉर्डर है, उसका बॉर्डर आ रहा है और उसकी हमारे पास ये आपका। अच्छा आप मुझे इसके ऊपर तो ये नहीं लगाना था, तो मैं इसके ऊपर क्या करूँगा, बाकी ये एक तरह से आप लोगों का नैव बार तो क्रिएट हो गया है। इसमें आप लोग जो जो चीज़ें स्टाइलिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। अच्छा इसमें हम देख लेते हैं और क्या है ये चीज़, इस ये वाला। अच्छा ये चीज़ समझ आई, ये क्या है, ये इसकी प्रॉपर्टीज है ना, ये मैं आपको बता देता हूँ। एक होवर है, एक्टिव है, ऑन क्लिक होती है, ए डॉट एक्टिव, ए डॉट एक्टिव अगर है, अगर मैंने क्लिक किया हुआ तो मैं इसको करता हूँ। ये देखो ये एक्टिव है, ये ग्रीन हो रहा है, क्लिक कर रहा हूँ उसके ऊपर कलर चेंज हो रहा है उसका। फिर ऐसे ही इसके ऊपर अगर मैं विजिटेड के ऊपर लगाऊंगा, इसमें एक्टिव है, फिर इसका ही विजिटेड होगा। विजिटेड देखा, वो दिखा रहे कि सब भी विजिटेड किए हैं आपने, ठीक है तो विजिटेड हटा देता हूँ। इसके अलावा ये हो गया आपकी प्रॉपर्टीज, अगर हम लोग एंकर टैग के ऊपर होवर कर रहे हैं या उसके ऊपर एक्टिव कर रहे हैं तो ये है, ठीक है, यहाँ तक ही समझ आ गया सी एस एस जो की है। इसमें कोई क्वेश्चन है, तो कुछ पूछना है तो बता दो। ठीक नहीं सर, नो सर, है बस यहाँ तक इसको रखते हैं फिलहाल, 8 बज गए, सही है। मैं ये वीडियो और ये डाल दूंगा, मैं कुछ असाइनमेंट दे दूंगा जिसको आप लोगों कर लिएगा तो प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और आज तक आज का जो भी कुछ हुआ है इसमें कुछ पूछना है, बाकी किसी और चीज़ में फॉर्म वगैरह में किसी में भी कुछ पूछना है, कुछ ना समझ आया हो। सर सर आप वो एब्रीवेशंस यूज़ कर रहे थे ना, तो आपके पास सामने शो हो रहा था, तो उसकी शायद कोई एक्सटेंशन थी, वो बता दें। एब्रीवेशन कौन सी, एमिट्स, वो जो आप सिंगल एमिट। लाइन, यस अच्छा यस एमिट के लिए तो मैंने जो एक्सटेंशन डाली है वो ये है, ये वो डबल एम आएगा। जी भाई देख रहा था सर, यस पता नहीं किसी और नाम से इंस्टॉल हुई होगी, मुझे खुद याद नहीं है कौन सी इंस्टॉल की थी। यस जस्ट इंस्टॉल नहीं है, देख लेते हैं कौन कौन सी नहीं। ये मैंने बहुत पहले इंस्टॉल की होगी सर, आसिम ने जो आप लोगों को बताया आप लोग वही इंस्टॉल कर रहे हैं, क्योंकि मैंने भी शायद वही की होगी, क्योंकि उस टाइम से ही मेरे पास वही चल रहा है, ओके सर, ठीक तो है। उसी वही है ये, और कोई नहीं है। देखो मेरे पास सारी कोई भी इंस्टॉल नहीं हुई, सिर्फ वही इंस्टॉल हुई भी, एक कोई एक इंस्टॉल हुई भी है, ये वही काम कर रही है, ठीक है। बाकी मैं इसको सर्च करके चेक करके आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है, ठीक है सर। चलो अल्लाह हाफिज़।